बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा। मिनिमाइजेशन ऑफ एसओपी बुलियन एक्सप्रेशंस एंड पीओएस बुलियन एक्सप्रेशंस, इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट वन में बात हो चुकी है। अब हम लोग पार्ट टू में 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएबल के क्वेश्चन आंसर करेंगे। किस तरह से केमैप से हम बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो बेसिक रूल्स हमने देखे थे, जिस तरह से हमने ग्रुपिंग करना सीखा था, जिस तरह से हमने डोंट केयर जो वेरिएबल्स थे उनको हम पुट करना हमने सीखा था, मिन टर्म मैक्स टर्म्स को, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारा चीज़ हमने समझ लिया है कि किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के बाद बस नामन क्लेचर बचा रह गया। तो अभी जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, उसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि आप किस तरह से नॉमन क्लेचर करेंगे, और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम इसमें करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्नाफ मैप। आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों के साथ इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब कर पाए, ताकि लोगों को वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखिए, के मैप कर्नाफ के नाम पर पड़ा था, कर्नाफ मैप इसका नाम है ना। तो इसमें क्या होता है, दिस इज अ ग्राफिकल मेथड। इस मेथड की सहायता से है ना, हम जो मेन टर्म्स हैं उनको हम इंडिविजुअल सेल्स में हम वेरिएबल्स को पुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोज और वंस। अगर मिन टर्म के फॉर्म में होंगे तो वंस हम रखेंगे, अगर मैक्स टर्म के फॉर्म में होंगे तो जीरोज रखेंगे, ये भी हमको पता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसमें ग्रुपिंग करते हैं सेल्स में। जो भी हमारा के मैप में सेल्स हैं है ना, बेसिकली वो हमारे क्या हैं, एडजेसेंट सेल कहे जाते हैं, आसपास के जो भी कॉन्सिक्यूटिव सेल्स हैं। तो जैसे ये हमारा कोई के मैप है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा क्या है, अगर आप इसको देखें तो ये सेल इसके एडजेसेंट है, ये सेल इसके एडजेसेंट है, ये सेल इसके एडजेसेंट है, और ये सेल इसके एडजेसेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे। इसी तरह से ये सेल आपस में एडजेसेंट है और ये आपस में भी एडजेसेंट है। तो अगर कोई दो वन हमारे अगल बगल आते हैं तो उसकी ग्रुप, उसका ग्रुप बन सकता है। ऐसे अगर चार वन आते हैं तो चार का ग्रुप बनेगा। एक और इसमें नियम था कि भाई जितने भी आपका के मैप में जो भी आपने मिन टर्म या मैक्स टर्म को आपने इंसर्ट कर रखा है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स को आप एक बार ग्रुप करने का प्रयास करेंगे, है ना। कोशिश ये करेंगे कि वो सारे वंस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उस हमारे जो आपके सेल्स हैं वो एक साथ एक ग्रुप में कवर हो पाएं। आइए हम लोग इसको इसके सहायता से करने का प्रयास करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है ये, सिंप्लीफाई फंक्शन एफ ए बी, मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन है, ए और बी दो वेरिएबल हैं, गिवन इन द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में दिया हुआ है, तो ट्रूथ टेबल ये है हमारा, बगल में दिया हुआ है, क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, एक ए और बी के कॉम्बिनेशन है, और इसके लिए एफ की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। तो देखें, ए जीरो है, बी जीरो है, एफ की वैल्यू वन है। ए जीरो है, बी वन है, इसकी वैल्यू वन है। ए वन है, बी जीरो है, इसकी वैल्यू भी वन है, लेकिन जब दोनों वन है तो इसकी वैल्यू हमारी जीरो है। अब हम इसको मिन टर्म मानकर करेंगे अगर, है ना। तो मिन टर्म में हमें क्या जरूरत पड़ती है, जो हमारे वन है उसके करेस्पॉन्डिंग हम फंक्शंस को लिखते हैं। इसका मतलब आप देखो, ए बी जीरो जीरो, आप इसको ऐसे लिख लो, जीरो 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 वन वन जीरो, इन तीनों के लिए आउटपुट आपको क्या मिला है, वन मिला है, है ना। मतलब आपका जो मिन टर्म इसमें डिफाइंड है कि आपके एम जीरो एम वन और एम टू डिफाइंड है, तो आपका फंक्शन बेसिकली क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू सिग्मा एम जीरो वन टू, ऐसे आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लिखा जा सकता है। अच्छा, सिंस देर आर टू वेरिएबल्स, है ना, टू वेरिएबल, यहाँ पर टू वेरिएबल्स है ना, टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, टू टू द पावर टू, दैट इज फोर नंबर ऑफ सेल्स होंगे इसमें। तो नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें फोर हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा के मैप चाहिए जिसमें चार नंबर ऑफ सेल्स हो। अब आप उनकी वैल्यूज को आप प्लेस कर दीजिए। तो ये हमारा के मैप है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, और यहाँ पर भी वन है। ये कैसे हुआ, ये जीरो वन है और ये हमारा जीरो वन है, इसको हमने ए लिखा, इसको हमने बी लिखा। तो जीरो जीरो, ये एम जीरो, तो एम जीरो की वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल, इसको वन कर दिया आपने। जीरो वन वन, वन की वैल्यू है, इसको आपने वन कर दिया। ऐसे ही टू भी है, टू मतलब वन जीरो, वन जीरो ये वाली वैल्यू एम टू होगी। एम थ्री हमारा खाली जाएगा क्योंकि यहाँ पर थ्री अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा खाली हो गया। अब हम इसमें ग्रुपिंग करने का प्रयास करेंगे, तो दो ग्रुप इसमें पॉसिबल दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रुप्स होंगे वो या तो टू का ग्रुप बनेगा, दो सेल्स का एक ग्रुप बनेगा, या तो फोर सेल्स का, या तो एट सेल्स का, या तो सिक्सटीन सेल्स का, ऐसे बनता है हमारा। मतलब तीन का ग्रुप तो बन नहीं सकता, है ना।
तो दो कॉन्सिक्यूटिव सेल्स को लेते हुए हमको ग्रुप बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो कॉर्नर का सेल है और ये जो कॉर्नर का सेल है, एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक से ग्रुप आपका ये बनेगा वर्टिकल में और दूसरा ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप आपको रेड कलर से दिख रहा है और वर्टिकल ग्रुप आपका येलो कलर से दिख रहा है। अब लिखने का तरीका देखिए, इसमें लिखेंगे कैसे, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी सहायता से आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया, पहला ग्रुप हमने बना दिया, दूसरा ग्रुप हमने बना दिया। अब जरा इसकी बात करिए, पहले ग्रुप की, रेड वाले ग्रुप की आप बात करिए। तो रेड वाले ग्रुप को आप देखेंगे तो इसमें आप इस दोनों ही सेल को कंबाइंडली देखिए, इसके लिए ए की वैल्यू क्या है आप बताओ। पहले सेल में ए की वैल्यू जीरो है और दूसरे सेल में भी ए की वैल्यू जीरो है कि नहीं, आप बताओ। ये ए इज इक्वल टू जीरो जो है वो इस सेल के लिए भी है और इस सेल के लिए भी, ये तो कॉमन सी बात है। अच्छा, इस पूरे सर्किल को आप देखिए, वर्टिकल वर्टिकल जो आपका है बी बी वेरिएबल के लिए देखिए, तो इस सेल के लिए बी की वैल्यू जीरो है और इस सेल के लिए बी की वैल्यू वन है, मतलब डिफरेंट है ना। बी की वैल्यू दोनों सेल्स के लिए अलग अलग है जो हम ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन ए की वैल्यू दोनों सेल के लिए हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट है, जीरो बनी हुई। मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि बी की वैल्यू हमारी अनसर्टेन है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, रेड ग्रुप में आप क्या देख रहे हैं, ए की वैल्यू तो जीरो है हमारी, लेकिन बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी इज अनसर्टेन। तो बी अनसर्टेन है तो प्रोडक्ट टर्म में बी नहीं आएगा, केवल ए आएगा, और ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो आप प्रोडक्ट टर्म में क्या लिख देंगे, सीधे ए बार लिख देंगे। समझ आ रही बात, ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम येलो ग्रुप की बात करें, येलो ग्रुप को जरा देखिए। येलो ग्रुप में आप देखो, पहले सीधे सीधे आप ऊपर की तरफ देखिए, तो b इज इक्वल टू जीरो पहले के लिए भी है और b इज इक्वल टू जीरो नीचे वाले सेल के लिए भी है, मतलब b की वैल्यू तो आपकी जीरो है, कॉमन है दोनों में। अब a को जरा देखिए, पहले सेल के लिए a की वैल्यू जीरो है, दूसरे सेल के लिए a की वैल्यू वन है, मतलब a की वैल्यू डिफरेंट है, a की वैल्यू डिफरेंट है, तो a अनसर्टेन हुआ हमारा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि b हमारा जीरो है जबकि a हमारा अनसर्टेन है, तो प्रोडक्ट टर्म को हम सीधे क्या लिख देंगे, बी बार, क्योंकि बी की वैल्यू हमारी जीरो आई हुई है। अगर बी वन होता तो बी हो जाता प्रोडक्ट टर्म। इसका मतलब फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट टर्म होगा वो क्या होगा, वो इन्हीं दोनों को आप प्लस करके लिख देंगे, है ना। तो ए बार प्लस बी बार, आप देखो आपने एक ग्रुप को सॉल्व किया, तो पहला जो ग्रुप है उसका जो भी फंक्शन आएगा प्लस, दूसरा जो ग्रुप है उसका जो भी फंक्शन आएगा प्लस, तीसरा जो ग्रुप है उसका जो भी फंक्शन आएगा, इन सबको आप एक साथ सम करके ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज द मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, है ना, ये समझ में और आएगा। क्वेश्चन ये दे रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शंस यूजिंग के मैप। के मैप की सहायता से ये जो बूलियन फंक्शन है हमारा, इसको आप सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई का मतलब समझते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब मिनिमाइज कीजिए, है ना, ऐसा करें। अच्छा, आप जरा देखिए, जब भी हम बुलियन फंक्शंस को मिनिमाइज करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, है ना, ये एक आपका इसमें कॉमन रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। लेकिन आप इसको देखिए, कितने वेरिएबल का है ये, चार वेरिएबल का है। यहाँ पर कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, यहाँ पर दो ही वेरिएबल है, यहाँ पर तीन वेरिएबल है। मतलब अगर आप पहले टर्म की बात करें तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड इज मिसिंग। दूसरे की बात करिए तो W X मिसिंग है और Y Z मिसिंग है, मतलब X और Z मिसिंग और यहाँ पर आपका X मिसिंग है ना, W X Y Z X इज मिसिंग, मतलब आपके तीनों ही कहीं ना कहीं मिसिंग है। जब मिन टर्म में मिसिंग होता है तो आप क्या करते हैं, आप जो भी वेरिएबल मिसिंग है उस वेरिएबल को उसके बार के साथ सम करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर Z मिसिंग है तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस फंक्शन में z प्लस z बार को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर दो चीजें मिसिंग है, x और z, तो wy तो आप लिख दीजिए x प्लस x बार और z प्लस z बार से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे यहां पर w डैश y z डैश ये आप लिख देंगे और x मिसिंग है तो आप x प्लस x डैश से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को ओपन करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू एक्स डैश वाई डैश जेड, है ना, यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, सेकेंड टर्म जेड डैश है। अच्छा, अब इसको देखिए, यहाँ पर हो जाएगा डब्लू, ठीक है, एक्स वाई जेड पहला टर्म आ गया, फिर देखिए डब्लू एक्स बार
वाई जेड ऐसा आ गया हमारा। फिर क्या आ जाएगा, डब्लू एक्स वाई जेड डैश ये आ गया, और लास्ट में क्या आएगा, डब्लू एक्स डैश वाई जेड डैश ये आपका आ जाएगा। तो चार टर्म हमको ये मिल गए। इसमें देखिए डब्लू डैश वाई जेड डैश एक्स, डब्लू डैश एक्स वाई जेड डैश, डब्लू डैश एक्स जेड वाई जेड डैश ऐसा हमको मिल गया। तो ये हमारे टर्म्स हैं। अब इसको अगर आप लिखेंगे नंबर्स में, लिखिए आप इसमें जो नंबर्स में मैं लिखने जा रहा हूँ, पहला क्या है 1001 दैट इज 9, दूसरा क्या है 1000 दैट इज 8, तीसरा क्या है 1111 दैट इज 15, ध्यान से देखिएगा, चौथा क्या है 1011 मतलब आपका हो गया 1011 दैट इज 11 है ना। फिर क्या आएगा आपका 1110 दैट इज 14, ये क्या है हमारा 1010 दैट इज 10। अच्छा फिर क्या है आपका, ये क्या है 0110 मतलब 6। अच्छा इधर क्या है 0010 मतलब 10 की वैल्यू 2, तो ये हमारा क्या हो गया 2689। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2689 फिर 10 11 14 15 स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिन टर्म्स मिल गए। ये आपने मिन टर्म्स को लिख लिया। अब देखिए नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, कितने वेरिएबल हैं, चार वेरिएबल हैं है ना, x w x y z कितने आपके नंबर ऑफ सेल्स होंगे 2 to the power 4 दैट इज 16। तो अब आपको 16 आपको जो सेल्स हैं ऐसा के मैप हमको लेना पड़ेगा। ये 16 सेल्स हो गए। अब इसमें आप फिल करिए जरा, ये देखो ये जीरो वाली प्लेस है नहीं आएगा, ये वन वाली प्लेस है, ये टू वाली प्लेस है इसमें आ गया, थ्री वाली प्लेस नहीं आएगा, फोर भी नहीं है, फाइव भी नहीं है, सिक्स है, सेवन नहीं है, फिर एट नीचे एट है, नाइन है, टेन है, इलेवन है, ट्वेल्व नहीं है, थर्टीन नहीं है, फोर्टीन है, फिफ्टीन है, इस तरह से आपने वंस को आपने प्लेस कर दिया है ना, ये हमारा हो गया। अच्छा अब जरा देखिए काम की बात, अब हमें इसमें ग्रुपिंग करनी है ना। तो आप ग्रुप करने जाएंगे तो पहले 8 के लिए प्रयास करें, 16 के लिए तो हो नहीं पाएगा क्योंकि पूरे भरे नहीं है। अब 8 के लिए प्रयास करेंगे तो भाई ये 4 का जो ग्रुप इधर से उसके लिए और 4 कोई इधर है नहीं, इधर इस तरह से आप बगल से देखेंगे साइड वाले वंस को उसके करिस्पॉन्डिंग और 4 कोई दिख नहीं रहे हैं, एक ग्रुप आपका यहाँ भी 4 का बनेगा है ना। इसका मतलब ये है कि ग्रुप तो 3 बनेंगे लेकिन सब 4 ही 4 के बनेंगे। तो पहला ग्रुप हमारा ये हो गया, दूसरा ग्रुप हमारा ये हो गया और तीसरा ग्रुप हमारा ये हो गया, तीनों ही 4 4 के बनेंगे। हमें जो कि मैक्सिमम नंबर्स लेने हैं, तो कई बार ये सोचा जा सकता है कि ये वाला जो वन है इसको आप केवल एक ही आप एक सिंगल बचा है तो सिंगल को आप ले लीजिए, लेकिन सिंगल के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे है ना। तो हम क्या करेंगे इस वन को कवर करने के लिए जितने मैक्सिमम आप वन हमारे आ सकते हैं, चूंकि ये छूट रहा है इसको कवर करना है, इसलिए तीसरा ग्रुप भी बनेगा हमारा है ना। तीन ग्रुप हमारे हो गए। अब सबसे पहले हम रेट की बात करेंगे है ना, पहला ग्रुप हमारा रेट। तो रेट की जरा बात करिए, तो रेट में अब आप देखिए ध्यान से, ये पूरा जब आपने पूरा सर्किल यहाँ पर बनाया तो इस सर्किल के लिए W की वैल्यू 1 और X की वैल्यू 0 इस पूरे के लिए होगी ना, चारों सेल्स के लिए एक जैसी होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ए 1 और X इज इक्वल टू 0, ये चारों सेल में कॉमन है इसलिए चारों के लिए आपने लिख दिया। अच्छा आप वाई जेड की बात करिए, वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 0 0 है, इस सेल के लिए 0 1 है, इस सेल के लिए 1 0, इस सेल के लिए 1 1 है, मतलब y की वैल्यू 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, z की वैल्यू 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, मतलब y और z अनसर्टेन है, मतलब उनकी वैल्यू बदल रही है ना, तो उसको अनसर्टेन कहेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो w इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 हमको मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, w 1 है तो इसको आप w लिखिए और x 0 है तो x बार लिखिए, तो w x बार, ये पहला टर्म हो गया हमारा प्रोडक्ट टर्म, बात समझ में आ रही है ठीक है। तो पहले ग्रुप का हमको मिल गया। अच्छा तो ये हमारा W X डैश हो गया। अब हम येलो वाले के लिए देखेंगे है ना, येलो वाले के लिए देखेंगे, तो येलो के लिए क्या होगा हमारा, येलो को देखिए ये है हमारा, इसमें आप इधर से देखेंगे तो अब भाई W X की वैल्यूज बदल रही है, मतलब W की वैल्यू आप देखिए 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, X की वैल्यू भी 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, तो W और X आपका क्या है, अनसर्टेन बन रहा है। लेकिन अगर आप वर्टिकल में देखिए तो इन चारों सेल के लिए y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 ये बनी हुई है बराबर, मतलब आप लिख सकते हैं ना y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 0, जबकि w और x हमारे अनसर्टेन होंगे।
अब वाई वन है, जेड जीरो है, तो वाई वन है तो वाई लिखिए, जेड जीरो है तो जेड बार हो जाएगा। सो दिस इज वाई जेड बार। ये दोनों हमको मिल गए। एक और टर्म बचा है ना, ये हमारा क्या है, दिस इज ब्लू। ब्लू वाले के लिए देखिए, यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं। तो ब्लू क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू के लिए अब आप इस आप स्क्वायर को देखिए, इससे जब आप हॉरिजॉन्टल साइड में देखते हैं तो दो ग्रुप, अब केवल दो ही आएंगे ना इसमें, जीरो वन वन और जीरो वन जीरो, वन वन और वन जीरो। तो वन वन और वन जीरो में पहला बिट सेम है, मतलब W की वैल्यू वन है, लेकिन X हमारा क्या है, एक बार वन है एक बार जीरो है, तो अनसर्टेन हो गया कि नहीं। अच्छा अब जरा इसी में ऊपर की तरफ वर्टिकल देखिए, वर्टिकल। तो अब ये इसके करिस्पॉन्डिंग ये दोनों आ रहे हैं, समझ आ रही बात। इन दोनों में आप देखिए तो आपका पहला बिट सेम है दोनों में, है ना। पहला बिट क्या है, वाई है, तो वाई की वैल्यू वन, और जेड हमारा पहले में वन है दूसरे में जीरो है, तो जेड आपका क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। मतलब आपको क्या मिला, डब्ल्यू और वाई मिला है कि नहीं। तो आप देखेंगे डब्ल्यू वन है, एक्स अनसर्टेन है, वाई वन है, जेड अनसर्टेन है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारा डब्ल्यू वाई होगा। अब तीन टर्म मिल गए, तीन ग्रुप हमारे कंप्लीट हो गए, सारे वंस हो गए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यू विल राइट, देखो प्रोडक्ट मतलब टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये किससे डिनोट कर रहे थे, एफ से। एफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एक्स डैश प्लस वाई जेड डैश और प्लस तीसरा क्या आया है, डब्ल्यू वाई। ये जो तीनों आए थे इनको हम प्लस करके लिखेंगे और करके लिखेंगे, है ना। तो हमारा जो मिनिमाइज फंक्शन होगा, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बार प्लस वाई जेड बार प्लस डब्ल्यू वाई। अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, आप उस सेल करिस्पॉन्डिंग जो सेल्स हैं ग्रुप के, है ना, उसको आप एक साथ देखिए सारे वेरिएबल्स के लिए। अगर चारों ही मतलब चार सेल का अगर आपने ग्रुप बनाया और चारों ही सेल्स के लिए एक्स की वैल्यू सेम आ रही है तो एक्स आएगा। अगर एक्स की वैल्यू एक बिट भी डिफरेंट हो जा रही है, इसका मतलब एक्स को छोड़ देंगे, दैट विल बी अनसर्टेन, है ना। और अनसर्टेन वाले को आप लिखेंगे नहीं, जैसे यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू वन था और वाई इक्वल टू वन था, तो जो फिक्स्ड है जिनकी वैल्यू अब नहीं बदल रही है, सिर्फ उन्हीं को आप फंक्शन में यूज करेंगे। सो दिस इज द वे। चलो अब यहाँ पर पाई आ गया, पाई जब आ जाता है तो मैक्स टर्म हो जाता है, पता है ना आपको, है ना। मतलब यहाँ पर ये मैक्स टर्म की बात करें, मैक्स टर्म जब होगा तो मैक्स टर्म में आप जीरो प्लेस करते हैं सेल में या वन, जीरो प्लेस करते हैं, अब याद रखिएगा। अच्छा तीसरी चीज, मैक्स टर्म में जैसे आपको लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो 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 को बिना बार के, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आपको ए बार प्लस बी प्लस सी बार करना है, तो ए बार की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो, सी बार की वैल्यू वन, ये फाइव को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से होता है हमारा। खैर यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिलेगा वो भी प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में मिलेगा, ये भी हमको याद रखना है, इसको अभी आगे देख लेते हैं। देयर आर थ्री वेरिएबल्स, तो तीन वेरिएबल के लिए हमें कितने नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आठ नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो तीन वेरिएबल के लिए टू टू द पावर थ्री दैट इज एट नंबर ऑफ सेल्स। अब आप इनकी प्लेस फिल करिए, जीरो तो जीरो आपका पहला हो गया, जीरो 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 ये प्लेस आपका हो गया, वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन ये प्लेस हो गया, टू जीरो वन जीरो ये वाला प्लेस हो गया, फोर वन जीरो जीरो ये वाला प्लेस हो गया, चारों भर गए, बाकी से हमको मतलब नहीं है। अब इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है ना, तो आप ग्रुप बना दीजिए। तो अब तो देखने में ही लग रहा है कि दो का ग्रुप एक तो यहाँ बनेगा, एक दो का ग्रुप यहाँ बनेगा और एक दो का ग्रुप ये किनारे वाले दोनों जीरो, है ना। क्योंकि तो आपको पता है कि जो के मैप होता है हमारा, उसमें जो किनारे के सेल्स होते हैं वो भी एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के, है कि नहीं। एक तो हमारा ये ग्रुप बना, दूसरा हमारा ये ग्रुप बना और तीसरा हमारा ब्लू वाला ग्रुप बना। तो पहला हमारा येलो ग्रुप, अब येलो को हम सॉल्व करें। येलो ग्रुप को आप देखिए, येलो ग्रुप के करेस्पॉन्डिंग दोनों सेल्स के लिए, दो सेल का एक ग्रुप बना है जिसके करेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू जीरो है, फिक्स रहेगा कि नहीं दोनों के लिए, यस। अब ऊपर देखिए, दोनों ही के लिए वाई की वैल्यू जीरो मिल रही है, इसमें भी वाई की वैल्यू जीरो, इसमें भी वाई की वैल्यू जीरो, तो वाई भी हमारा जीरो हो गया। जेड की वैल्यू यहाँ जीरो है, जेड की वैल्यू यहाँ वन, मतलब जेड नहीं मिलेगा, जेड अनसर्टेन है, कि हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा येलो के लिए। अच्छा तो एक हमारा हो जाएगा ये येलो के लिए एक्स बार वाई बार नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो। अब देखो जीरो के लिए हम क्या लिखते हैं, बार नहीं लगाते, एक्स हो जाएगा और प्लस वाई, ये पीओएस है हमारा, ये पाई लगा हुआ है, पाई का मतलब पीओएस है। मैक्स टर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस
वाई आ जाएगा। फर्स्ट मिल गया हमको, वेरी इजी। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड हमारा रेड वाला ग्रुप। रेड वाले ग्रुप में देखिए एक्स दोनों सेल के लिए, एक्स की वैल्यू इसके लिए जीरो है, इसके लिए वन है, तो एक्स आपको मिलेगा नहीं, है ना। अब ऊपर वर्टिकल में देखिए तो y इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों सेल के लिए बराबर बना रहेगा, है ना। इसका मतलब y जीरो है, z जीरो है, तो y प्लस z मिल गया यहाँ पर। तो आप इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको y प्लस z लिख सकते हैं, x इज अनसर्टेन। तीसरा आपका ग्रुप है ब्लू, ब्लू को भी आप देख लीजिए। तो ब्लू को जब देखने जाएंगे, एक तो x की वैल्यू आपको जीरो मिल रही है, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि दोनों ही सेल फर्स्ट एंड लास्ट दोनों सेल के लिए x की वैल्यू जीरो रहेगी। अब इन्हीं दोनों के लिए, मतलब ये पहले में और लास्ट में आप देखिए, तो y की वैल्यू तो अनसर्टेन है, अलग अलग है, यहाँ जीरो है यहाँ वन है, लेकिन z को आप देखेंगे तो z आपका जीरो है। मतलब क्या मिला आपको, x इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू जीरो, तो आपको इसको क्या लिखेंगे, x प्लस z लिखेंगे ना। तो ये आपका तीसरा टर्म हो गया x प्लस z, ये हमारा z प्लस x या x प्लस z हमारा आ गया। तो आप इसको जब एक साथ लिखेंगे, जब मैक्स टर्म होता है तो सम को आप प्रोडक्ट करके लिखते हैं, है ना, दिस इज पी ओ एस, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आप इन तीनों जो हमारे मिले हैं x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, उनको आप एंड करेंगे, एंड करके लिख देंगे। सो दिस विल बी हाउ विल सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशंस। चलो अब और आसान आसान करते हैं, है ना। अब तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान, ये हमारा फिर मिन टर्म आ गया, है ना। जब कोई भी न दिया हो तो आपका मिन टर्म है, याद रखिएगा, है ना। जब कुछ भी नहीं देते हैं तो कुछ एम स्मॉल एम कैपिटल एम ऐसा कुछ लिखा नहीं, सो दिस इज मिन टर्म। और यहाँ पर है क्या हमारा, वन थ्री सिक्स सेवन, कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, तीन वेरिएबल हैं हमारे ए बी सी, नंबर ऑफ सेल्स विल बी एट, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, एट हो गए। तो आठ सेल्स को आप बनाएंगे और उनकी प्लेस करेंगे उसमें, वन थ्री सिक्स सेवन प्लेस कर दिया। तो देखो जीरो, जीरो पे कुछ नहीं है, वन पे है, फिर टू पे कुछ नहीं है, फिर थ्री पर है, फिर फोर पर कुछ नहीं है, फाइव पर कुछ नहीं है, सिक्स पर है और सेवन पर है। आप यहां से देखते जाइए, है ना, चारों प्लेस हो गए। अब यहाँ पर आपका रिडेंडेंट सेल का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको ये भी पता है कि अगर कोई वन हमारे यूज हो चुके हैं, फिर भी वहां पर ग्रुप अवेलेबल है, बन रहा है, लेकिन चूंकि वो वन यूज हो चुके हैं और बिना ग्रुप बनाए आप सारे वन हमारे कंज्यूम हो रहे हैं, तो उस ग्रुप की जरूरत नहीं है, दैट ग्रुप इज नोन एज रिडेंडेंट ग्रुप, है ना। ऐसे आपके जो आपके होते हैं इटरेशंस, उनको आप बोलते हैं। अच्छा आप देखिए, तो रिडंडेंट को हम काउंट नहीं करते हैं अपने फंक्शन में। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पहला ग्रुप हमने बनाया ये रेड का ग्रुप हो गया, दूसरा हमने बनाया ग्रीन कलर का ग्रुप, और तीसरा हमने ये बनाया है आपका डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन वाला ग्रुप को जरा देखिए, इसमें जो दोनों वन है, ये ग्रुप तो बना रहे हैं लेकिन पहला जो वन है वो पहले ग्रुप में यूज हो चुका है रेड वाले में, और दूसरा जो वन है वो ग्रीन में यूज हो चुका है। मतलब ये जो ग्रुप है तो फालतू का ही बन रहा है ना, सो दिस ग्रुप इज नोन एज रिडंडेंट ग्रुप। बात समझ में आ रही है। तो जो डॉटेड ग्रुप है, डॉटेड ग्रुप को आप जो डॉटेड कलर से दिखाया गया है उसको आप रिडंडेंट बोल रहे हैं। व्हाई दिस इज रिडंडेंट, बिकॉज दीज वंस आर ऑलरेडी यूज्ड इन अदर ग्रुप्स। ये सारे जितने भी वंस हैं इस ग्रुप में, वो सारे के सारे कहीं और यूज हो चुके हैं। कोई एक बचा रह गया होता तो उसके लिए एक ग्रुप हमारा पॉसिबल था, लेकिन ये बचा नहीं है कोई, है ना। सो दिस इज रिडंडेंट, तब उसको हम नहीं देखेंगे। अब सॉल्व करना शुरू करें, पहले रेड को आप देख लीजिए। रेड को जब हम सॉल्व करेंगे तो रेड को आप हॉरिजॉन्टल में देखिए, ए की वैल्यू जीरो है, ए बी सी है वेरिएबल आपका, ए की वैल्यू आपकी क्या है जीरो है, करेक्ट है कि नहीं, ए की वैल्यू जीरो है, जैसे दोनों सेल के लिए कॉमन है। बी के लिए देखिए, अब ये दोनों है हमारे पास, इन दोनों में पहला B की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, लेकिन C की वैल्यू को आप देखो, C की वैल्यू सेम है, वन है, तो C की वैल्यू वन है, B तो आपका अनसर्टेन है, क्या हो जाएगा, A बार C हो जाएगा कि नहीं, है ना। ये हमारा क्या आ गया, A बार C आ गया, क्लियर है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है ना। तो A हमारा जीरो है, B हमारा अनसर्टेन है और C हमारा वन है। चलो आप फिर अगले को देखते हैं, ग्रीन वाले को देखते हैं। ग्रीन वाले में क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये बन गया ए बार सी। ग्रीन वाला हमारा क्या होगा, ग्रीन वाले को जरा देखिए, ग्रीन वाले को यहाँ हॉरिजॉन्टल में देखे तो ए की वैल्यू वन है, तो आप लिख दीजिए ए इक्वल टू वन। अच्छा अब ऊपर देखिए, इन दोनों ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, वन वन और वन जीरो, तो पहला वाला जो टर्म है वो कॉमन है, मतलब बी इक्वल टू वन मिल रहा है। सी को आप देखिए, दूसरा वाला जो टर्म है वो डिफरेंट है, मतलब वन और जीरो है, तो सी हमारा अनसर्टेन हो गया। तो क्या मिल जाएगा हमको, ए भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो ए भी मिल गया हमारा। रिडंडेंट टर्म को हमें काउंट नहीं करना है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। और अब हम जब इन दोनों को लिखेंगे तो क्या करेंगे, बीच में प्लस कर देंगे, है कि नहीं, हमारा क्या मिल जाएगा, ए डैश सी प्लस ए बी, ऐसा हमको
मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, दिस इज फोर वेरिएबल के में, है ना, चार वेरिएबल है पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर हम लोग पी क्यू इधर ले लेंगे, आर एस इधर ले लेंगे, है ना, 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0। अच्छा अब देखो ये हमारे क्या है, ये हमारे 0 2 5 7 8 10 13 15, ये हमारा है फंक्शन और इसको हमें सॉल्व करना है। नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, चार वेरिएबल है तो नंबर ऑफ सेल्स विल बी 16, उनके प्लेस को इस तरह से फिल किया गया है। चलो रीड करते हैं, पहला 0, फिर 1 है नहीं, फिर 2, फिर 3 है नहीं, फिर 4 है नहीं, फिर 5, 6 है नहीं, 7, 8, 9 है नहीं, 10, 11 है नहीं, 12 है नहीं, 13, 14 है नहीं और 15। तो ये आसान हो गया, है ना। अब 8 वेरिएबल्स हमारे, 8 सेल्स हमारे फिल्ड है, ये 8ों का कुछ ग्रुप बनेगा क्या, जरा देख लेते हैं। अब ये तो एडजेसेंट है नहीं एक दूसरे के, तीन इन वंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब 8 का ग्रुप तो नहीं बनेगा। अब 4 को चेक करते हैं, तो 4 के दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो बीचों बीच 4ों एक साथ हैं, इनको आप बना लीजिए। और दूसरे जो कॉर्नर वाले हैं, आपको पता है कॉर्नर जो प्लेस होता है एक दूसरे के एडजेसेंट होता है, मतलब ये इसके और ये इसके, इसका मतलब अगर आप यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे तो ये 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 और ये चारों एक ग्रुप में आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, एक ग्रुप हमारा ये बनेगा और दूसरा ग्रुप हमारा ये बनेगा, समझ आ रही, क्यों, क्योंकि आप लास्ट वाले बिट्स को आप देखिए, 0 0 है और यहाँ 1 0 है, मतलब एक बिट तो इसमें भी आपका कॉमन है, ऐसे ऊपर से नीचे में भी आपका एक बिट कॉमन दिखाई दे रहा है, ये चारों का एक ग्रुप बन गया हमारा, क्लियर है ये। अब चारों का ग्रुप है तो हमारे पास दो ग्रुप अवेलेबल है, पहले हम पहले ग्रुप को सॉल्व कर लें, दैट इज रेड ग्रुप। रेड ग्रुप को हम सॉल्व करें तो रेड ग्रुप में आप इधर से देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, देखो पी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पी की वैल्यू 1 है और यहाँ पी की वैल्यू 0 है, तो मतलब पी आपका अनसर्टेन हो गया, पी खत्म हो गया। क्यू को देखिए, क्यू यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो क्यू मिलेगा, क्यू की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा अब ऊपर से देखिए, यही रेड वाले को ऊपर भी देखिए, यहाँ भी तो देखना है, यहाँ क्या मिल रहा है, आर की वैल्यू इधर 0 है इधर 1 है, मतलब खत्म हो गया। एस की वैल्यू दोनों में 1 है, तो एस की वैल्यू 1 हो गई, मतलब पी और आर आपके अनसर्टेन हो गए, लेकिन क्यू और एस मिल रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सो दिस फंक्शन विल बी क्यू एस। रेड हो गया, अब हम लोग किसकी बात करें, अब हम लोग ग्रीन की बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन, अगर हम ग्रीन को देखें तो ग्रीन ये कॉर्नर वाले हैं, मतलब हमें इन दोनों में चेक करना है, तो इन दोनों में आप देखिए पी की वैल्यू, तो पी इसमें 0 है और इसमें 1 है, मतलब पी हमारा क्या है, अनसर्टेन हो गया। क्यू को देखिए, क्यू यहाँ 0 है और नीचे भी 0 है, मतलब क्यू इज इक्वल टू 0 मिल गया। अच्छा अब इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग यहाँ से भी देखेंगे हम, है ना, ग्रीन वाले में तो आर की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, मतलब आर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एस को देखिए, पहला बिट एस का 0, यहाँ भी एस की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई, तुम्हारा क्यू डैश एड्रेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो इतना ध्यान से देखकर और फिर उसको उनके जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू लिखिए और उसके अकॉर्डिंग, क्यू 0 आया क्यू डैश हो गया, एस 0 आया एड्रेस हो गया, तो क्यू डैश एड्रेस आ गया। तो अगर हम इसको फाइनली लिखें, ये हमारा क्यू डैश एड्रेस आ गया, फाइनली लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू एस तो पहला टर्म था और क्यू एस क्यू डैश एस डैश दूसरा टर्म, इनको प्लस करके आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आ रहे हैं 32 बिट पर, मतलब 5 वेरिएबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल तक पूछा जाता है, तो आप इसके लिए एकदम से प्रिपेयर्ड रहिए, है ना, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। तो अब देखो एफ पी क्यू आर एस टी क्या है, पी क्यू आर एस टी 5 वेरिएबल है और इसके लिए वैल्यूज दी है मिन टर्म की, 0 2 4 सिग्मा एम है, मतलब मिन टर्म की बात कर रहे हैं। 5 वेरिएबल हैं, मतलब एन इज इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स विल बी 2 to the power 5, दैट इज 32, होगा कि नहीं होगा। तो जब हम 32 सेल की बात करते हैं तो अभी अभी हम लोगों ने 16 सेल सॉल्व किया है, तो इसको 16 + 16 दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आपको यह भी पता है 16 सेल का मतलब 4 वेरिएबल, ये भी पता है, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है पी, ये पी हमारा एक, मतलब हम इसको पी क्यू आर एस टी लिख रहे हैं, क्यू आर एस टी आप 16 16 के
दो वेरिएबल, दो आप सेल्स ले लेंगे तो 32 सेल टोटल हो जाएंगे, जिसमें पी की वैल्यू एक बार जीरो रहेगी, एक बार पी की वैल्यू वन रहेगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, पी की वैल्यू एक बार जीरो है और पी की वैल्यू एक बार वन है। ठीक है, और उसके करेस्पॉन्डिंग क्यू आर एस टी के दो सेल्स आपने ले लिए, तो मतलब पूरा टोटल क्या हो गया, पी क्यू आर एस टी, क्योंकि क्यू आर की वैल्यूज भी बदल रही है, एस टी की वैल्यूज भी बदल रही है और पी की वैल्यूज भी बदल रही है। तो अगर आप कंबाइन करेंगे इन पांचों को तो आपको 32 सेल्स मिल गए, और मिल भी रहे हैं यहाँ पर, 16 सेल इधर और 16 सेल इधर। और पढ़ते कैसे हैं उसको यहाँ पर हम भरते हैं, तो हमारा जीरो हुआ, वन दिया नहीं है, टू दिया है, थ्री नहीं दिया है, फोर दिया है, फाइव नहीं दिया है, सिक्स नहीं दिया है, सेवन दिया है, एट दिया है, नाइन नहीं दिया है, टेन दिया है, एलेवन नहीं दिया है, ट्वेल्व दिया है, थर्टीन नहीं दिया है, फोर्टीन नहीं दिया है, फिफ्टीन नहीं दिया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब सिक्सटीन यहाँ से शुरू होगा, ऊपर से है ना, उधर के सब कवर हो गए। तो अब सिक्सटीन दिया है, यस सिक्सटीन दिया है, सेवनटीन नहीं दिया है, एटीन दिया है, नाइनटीन नहीं दिया है, ट्वेंटी दिया है, ट्वेंटी वन नहीं दिया है, 22 नहीं दिया है, 23 दिया है, 24 दिया है, 25 दिया है, 26 दिया है, 27 दिया है, 28 दिया है, 29 नहीं दिया है, 30 दिया है, 31 नहीं दिया, 30 और 31 दोनों नहीं दिया है। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आप वंस की संख्या यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। एक हमारा ये कंप्लीट हुआ टास्क। अब हमारे पास सारे वंस हमारे पास हो गए। अब आपको पता है कि आपको मैक्सिमम नंबर का ग्रुप बनाना है, और जब दो के में अलग ना, 16-16 के दो सेल्स, दो ग्रुप आपके अलग अलग अवेलेबल हैं, तो दोनों में हम कॉमन ग्रुप को भी सर्च करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, एक तो हमको यहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, अगर इसको देखेंगे तो एक तो कॉर्नर वाले जो वन है ना, एक वन हमारा ये है, 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 इसका एक ग्रुप बन सकता है, और इसमें भी कॉर्नर पर सारे वन अवेलेबल है ना। तो आपका ये जो ग्रुप है, चार वन यहाँ के और चार वन यहाँ के कॉर्नर के, वो मिलाकर आठ का एक ग्रुप बनेगा। मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों में पी इज इक्वल टू जीरो और पी इज इक्वल टू वन के इस पूरे के मैप में जितने भी वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल है, अगर उतने ही सेल्स वहां भी भरे हैं वही सेम लोकेशन पर, उन सारे लोकेशंस को आप क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। दूसरा आप देखिए, जो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, वन 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 वन, ये चार दिखाई दे रहे हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में भी उन पोजीशंस पर वन 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 है, मतलब आठ का ग्रुप, चार और चार मिलाकर आठ का ग्रुप यहाँ भी बनेगा। इसके अलावा एक ग्रुप आपका ये वन अकेले बच रहा है, और यहाँ भी वन अकेले बच रहा है ना, इन दोनों वन को आप मिलाकर दो का एक ग्रुप यहाँ भी बना लेंगे, क्योंकि ये भी सेम लोकेशन पर है, जो जो वन यहाँ पर है वही वन यहाँ पर भी है। एक एक करके करते हैं, पहले कॉर्नर वाले का आपने इसको नाम दे दिया जीवन, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, ये जो ग्रुप हमारा बनेगा, ये जो आठ आठ का, पहले मैक्सिमम का ही आप बनाते हैं, याद रखिए, एक आठ का ग्रुप ये बन गया, दूसरा आठ का ग्रुप ये जो चार इधर है और चार इधर है, इन चार चार का मिलाकर आठ का ग्रुप एक आप यहाँ बनाएंगे, इसको कंबाइनली एक लाइन से कनेक्ट करके आपने इसको लिख दिया जी टू। देखो जीवन आपने रेड वाले को लिखा है, चारों कॉर्नर का एक जीवन यहाँ लिखा है, एक जीवन यहाँ, मतलब ये सब आठों मिलाकर एक जीवन है, उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट किया। आप अपने एग्जाम में जब करने जाइए तो आपने अलग अलग कलर का स्केच पेन यूज करिए, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। और तीसरा जो ग्रुप है, अब बचे क्या है, एक वन ये बचा है हमारा और एक वन हमारा ये बचा है, इन दोनों को कंबाइन करते हुए, अच्छा है ना, यहाँ भी वन हमारे बचे हुए थे, देखो इन ये जो हमारा वन बचा हुआ है, ये दोनों, इसको भी आप इन दोनों वन के साथ आप चार का एक ग्रुप बना सकते हैं, सो दिस बिकम्स जी थ्री। लास्ट में बीच वाले जो हमारे वन है उनको आप मिलाकर बनाते हैं, जी फोर हमारा हो जाता है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, आप इसको समझ पा रहे हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आ रही है। तो जी वन हमारा क्या है, चारों कॉर्नर्स पर दोनों ही ग्रुप में जी वन हमारा हो गया, येलो वाले जो दोनों सर्किल है वो जी टू हमारा हो गया, नीचे ये जो पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है जी थ्री हो गया चार का, और दो का एक ग्रुप बनाया वो जी फोर हो गया। मैक्सिमम से हमने शुरू किया, आठ आठ के दो ग्रुप बनाए, फिर चार का एक ग्रुप बनाया, फिर बचा हुआ दो का एक ग्रुप बना लिया। अब एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो जीवन को जरा देखते हैं। तो जीवन हमारा क्या है, पहले तो जीवन के लिए आप पी वेरिएबल को देखिए, यहाँ पी की वैल्यू जीरो है और यहाँ पी की वैल्यू वन है, तो पी हमारा अनसर्टेन हो गया,
ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, पी की वैल्यू हमारी जीरो है और पी की वैल्यू हमारी वन है, तो पी हमारा अनसर्टेन हो गया। अब क्यू बचा, अब दूसरे ग्रुप को आपके देखने की जरूरत ही नहीं, आप खाली एक में देख लीजिए, वही दोनों में हो जाएगा। इस कॉर्नर से हमको देखना है क्यू की वैल्यू जीरो है और क्यू की वैल्यू वन है, मतलब पी हमारा अनसर्टेन हो गया, क्यू भी हमारा अनसर्टेन हो गया, क्यू की वैल्यू अलग अलग है। आर को देखो, आर की वैल्यू जीरो है और यहाँ भी आर की वैल्यू जीरो है, मतलब आर आप जीरो ले लोगे। अब एस को जरा देखो, तो इधर से देखना पड़ेगा ना, एस को आप देखो, एस जीरो है और यहाँ पर एस वन है, मतलब एस आपका खत्म हो गया। टी टी यहाँ जीरो है और टी भी यहाँ पर क्या है, जीरो है, इसका मतलब टी की वैल्यू जीरो हो गई। आर जीरो है और टी जीरो है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, आर डैश टी डैश, आसानी से लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, आर डैश टी डैश हमें मिल गया। दूसरे ग्रुप जी टू की आप बात करिए, जी टू ये येलो वाला ग्रुप है ना, तो येलो वाले ग्रुप में आप जरा देखिए, पहले तो पी इसमें जीरो है और वही सेम सेल्स यहाँ है, मतलब पी इज इक्वल टू वन है, इसका मतलब पी आपका खत्म हो गया। अच्छा, ये पूरा वर्टिकली, ये वर्टिकल आपका एरो, ये आपका सर्किल है, तो वर्टिकल सर्किट में क्यू और आर दोनों के बिट्स अलग अलग ही होंगे, इसलिए क्यू भी आपका खत्म हो जाएगा और आर भी आपका खत्म हो जाएगा। और इसी वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ देखें तो एस की वैल्यू जीरो है और टी की वैल्यू जीरो है, मतलब एस भी जीरो मिलेगा और टी भी जीरो मिलेगा, है कि नहीं, उसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एस जीरो और टी जीरो, क्या मिल गया आपको, एस डैश टी डैश मिल गया। तो ये हमारा हो गया एस डैश टी डैश। तीसरा हमारा जो ग्रुप है जी थ्री, जी थ्री आपका ये है, ये आपका पहले वाले सेल्स में नहीं है, दूसरे वाले सेल्स में है ना, तो दूसरे वाले में चार सेल का आपने ग्रुप बनाया जी थ्री, मतलब पी इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, पी इज इक्वल टू वन होगा यहाँ, है ना, तो पी की वैल्यू आपने वन ले लिया, क्योंकि पी इज इक्वल टू वन वाले में अब ये हमारा पूरा है। अब इसमें हमारे क्यू और आर की वैल्यू देखिए, तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो क्यू और आर की वैल्यू बदलेगी नहीं, तो क्यू की वैल्यू वन हो गई, आर की वैल्यू जीरो हो गई, है ना, क्यू की वैल्यू वन और आर की वैल्यू जीरो, और एस और टी की वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो बचा क्या, पी क्यू आर डैश, है कि नहीं, तो हमको क्या मिलेगा, पी क्यू आर डैश हमको मिल जाएगा। एस और टी अनसर्टेन रहेंगे, पी और पी इज इक्वल टू वन, क्यू इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू जीरो, तो पी क्यू आर डैश ये हमको मिल गया। ये ग्रुप थ्री का ही आपने यहाँ पर आउटपुट देख लिया। और ग्रुप फोर हमारा, ये दोनों जो सर्किल्स हैं ग्रीन वाले, उनको कंबाइन करने वाला जो ग्रुप है वो जी फोर है। अब जरा जी फोर को समझ लेते हैं, ये जो हमारा दोनों सर्किल्स हैं, है ना, इसमें पहला सर्किल पहले ग्रुप में है तो पी की वैल्यू जीरो, दूसरा ग्रुप दूसरे सर्किल में है पी की वैल्यू वन, तो इसका मतलब पी की वैल्यू हमारी अनसर्टेन हो गई। चलो अब इस जीरो को आप देखिए, इस जीरो के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्यू आर, क्यू की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन, और इसी के करेस्पॉन्डिंग यहाँ देखिए एस की वैल्यू वन, टी की वैल्यू वन, कितना सिंपल है ना, क्योंकि अब आपको इसी जीरो को देखना है तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये आपको दो वैल्यूज मिल गई, इसके करेस्पॉन्डिंग ये दोनों वैल्यूज मिल गई, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, क्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना, आर इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू वन, टी इज इक्वल टू वन, ये आपको मिल गया। तो आप लिख सकते हैं क्यू डैश आर एस टी, क्यू डैश आर एस टी हमारा हो गया। तब फाइनल रिजल्ट आपका क्या होगा, इन्हीं चारों को आप सम कर दीजिए, है कि नहीं, तो आप इसको आप सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर डैश टी डैश, एस डैश टी डैश, पी क्यू आर डैश और क्यू डैश आर एस टी, ऐसे आप कर देंगे। एक जो चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जो भी आपने ग्रुप यहाँ पर बनाए हैं, जो भी दिखाया है, उसके साथ आप उसके फंक्शंस को सॉल्व करके एरो बना के जरूर लिख दीजिए, ताकि आपको एग्जाम में ये कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर के सामने कि आपको आता है नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि आप इतनी मेहनत से करते हैं तो ये सारे ना, क्यों देखने में कॉम्प्लेक्स भले लगते हैं तो, लेकिन आप इनको अच्छे से बना दीजिए। केवल पेंसिल यूज मत करिए, प्लीज यूज स्केच पेन, है ना, स्केच पेन को जरूर यूज करें। ऐसे यहाँ पर एक और के मैप है हमारे पास, इस के मैप में फाइव वेरिएबल के मैप है ये, है ना, इसमें जीरो से जीरो फाइव यहाँ से लेकर 27 तक की वैल्यूज को हमें ऐड करना है। आपने ये दोनों आपने ले लिया, अब आप इसको देखिए, मैं फिल कर रहा हूँ, जीरो वन नहीं है, टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर नहीं है, फाइव है, सिक्स है, सेवन नहीं है, एट है, नाइन है, टेन है, एलेवन है, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, ये सब नहीं, सिक्सटीन है, फिर सेवनटीन नहीं, एटीन नहीं, नाइनटीन नहीं, 20 है, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है,
28 नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं, 31 नहीं। अब आपने ये वंस को फिल कर दिया। सबसे पहले हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को एक ग्रुप में ले आना है। कौन कौन से वेरिएबल है? ए बी सी डी ई, है ना। तो ए आपने यहाँ लिख दिया, ए की वैल्यू 0, यहाँ ए की वैल्यू 1, यहाँ बी सी ले लिया, यहाँ डी ई ले लिया। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले आप ऊपर वाले वंस का तो ग्रुप करना काफी मुश्किल काम दिख रहा है। हालांकि ये अगर कॉर्नर वाले को पकड़े तो ये वन यहाँ एक पोजिशन पर, और ये वन एक पोजिशन पर है। एक तो हमारा ये बन जाएगा, दूसरा हमारा ये दोनों वन भी एक सिंगल ग्रुप आपका बना रहे हैं। अच्छा, खैर तीसरा जो हम देखें, ये चार वन है और यहाँ पर भी चार वन है, तो आठ का सबसे बड़ा ग्रुप यही बनेगा। सबसे पहले इसको बना दिया हमने, इसको हमने नाम दे दिया ग्रुप वन, है ना। अच्छा, दूसरा जो हमारा है कॉर्नर वाले, जो अभी बात कर रहे थे हम, कॉर्नर वाले को बनाएंगे तो दो इधर है वन और दो इधर है वन, तो चार का ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे बड़ा दूसरा ग्रुप हमारा यही मिल रहा है, इसको आप जी टू कहिए। फिर इसके बाद हमारा क्या है, ये वन हमारा अभी बच रहा है ना, इस वन को इसके साथ आप ग्रुप बना दीजिए, तो दो का ग्रुप ये बन जाएगा हमारा। अब देखो ये जो वन है, इस वन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसका कोई ग्रुप बन भी नहीं रहा है यहाँ पर, और इधर भी कुछ नहीं है, तो अकेले रहेगा। इस वन को भी आप देखिए, ये इस ग्रुप में, इस पूरे सेल में भी अकेले है, और इधर वाले में भी ये कहीं मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पोजिशन पर कुछ है नहीं। इस तरह से ये दोनों एलोन रह जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप नाम दे दीजिए। मैंने कहा ना, रेड वाले को जी वन हमने कहा था, ग्रीन वाले को आपने जी टू कहा था, ठीक है, येलो वाले को आपने जी थ्री कहा था, और ब्लू वाले को, इसको जी फोर कह दीजिए, इसको जी फाइव कह दीजिए, है कि नहीं। बहुत सिंपल है ये। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इसमें 32 सेल्स हमने दिखा दिए। तो सबसे पहले आप जीवन को सॉल्व करिए। तो जीवन हमारा रेड कलर, तो रेड कलर को सॉल्व करेंगे, तो चूंकि दोनों ग्रुप हम यूज कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू इसमें 0 है, ए की वैल्यू इसमें 1 है, तो ए हमारा अनसर्टेन हो गया। अच्छा, अब देखिए हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, तो इधर से आप बी और सी की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, तो बी की वैल्यू हमारी 1 हो गई और सी की वैल्यू हमारी 0 हो गई। और चूंकि हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, चारों कवर कर रहा है, तो डी ई की चारों वैल्यूज तो डिफरेंट ही कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो डी हमें नहीं मिलेगा, ई भी हमको नहीं मिलेगा, इसको आप बी सी बार लिख सकते हैं। पहला हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, ये बी सी बार मिलेगा। जी वन कंप्लीट हो गया कि नहीं, यस। अब हम जी टू को देखते हैं। जी टू में ये पोजिशन है पहला, दूसरा और ये तीसरा और चौथा, चूंकि दोनों ही सेल यूज हो रहे हैं, तो ए की वैल्यू तो आपकी डिफर कर जाएगी, तो ए आपको नहीं मिलेगा। अब जरा हॉरिजेंटल साइड में देखते हैं, ये आपका है ना, तो बी की वैल्यू डिफरेंट है, 0 है और 1 है, तो बी भी आपको नहीं मिलेगा। सी की वैल्यू यहां पर 0 है और यहां भी सी की वैल्यू 0 है, तो सी की वैल्यू आपको 0 मिल गई। और अब इसके वर्टिकल साइड में देखिए, वर्टिकल साइड में डी की वैल्यू 0 मिल रही है, ई की वैल्यू 0 मिल रही है, तो डी इज इक्वल टू 0 और ई इज इक्वल टू 0, तो ये हमको क्या मिल गया, सी बार डी बार ई बार मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। तो ये हमको मिल गया सी बार डी बार ई बार, ये हमको मिला, क्लियर है ये। अच्छा, अब जरा जी थ्री की बात करें। जी थ्री हमारा ये है येलो वाला, तो येलो वाले को आप देखिए, ए की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, ए की वैल्यू हमको मिल रही है 1, क्योंकि ये ग्रुप इधर नहीं है, इस वाले सेल में नहीं है, तो ए की वैल्यू 0 होगी नहीं, इसलिए ए की वैल्यू सीधे सीधे हमको क्या मिल गई, 1 मिल गई, क्लियर हो गया। बहुत अच्छा, अब जरा इसके हॉरिजॉन्टल साइड में देखते हैं, ये दोनों आ रहे हैं, है ना। इसमें बी की वैल्यू देखो, तो बी की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, दोनों ही पोजिशन पर 0 है। सी की वैल्यू एक 0 एक 1, मतलब सी आपका अनसर्टेन हो गया। ऊपर देखिए तो डी और ई तो कॉमन ही रहेंगे, तो डी की वैल्यू भी 0 है और ई की वैल्यू भी हमारी 0 है। आप इसको कंबाइनली लिखिए, तो ए बी बार डी बार ई बार, ये हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस, ए बी बार डी बार ई बार, ये हमको मिलेगा, ठीक है। और यहां पर इस फंक्शन को आप एरो की सहायता से इस तरह से लिख देंगे। अब हमारे पास जी फोर बचा और जी फाइव बचा, है ना। तो जी फोर को जरा देखते हैं। जी फोर, जी फोर ये हमारा यहां, चूंकि इस ग्रुप में अब कुछ भी नहीं है जी फोर या जी फाइव में, तो ए इज इक्वल टू 1 भूल जाए, ए इज इक्वल टू 0 रहेगा, इसमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 0 मिला। अच्छा, और इसी सर्किल के करेस्पॉन्डिंग एक इधर आपको दिखाई दे रहा है, एक इधर दिखाई दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टल साइड में बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1, वर्टिकल साइड में डी इज इक्वल टू 0 और ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 1, है ना, ये हमको मिल रहा है। तो आप इसको साथ में लिखेंगे तो ए बार बी बार सी डी बार ई, ऐसा हमको मिलेगा। तो आप क्लियर है ना, तो आप जब इसको लिखेंगे जी फोर को, तो ए बार बी बार सी डी बार ई, ऐसा हमको मिलेगा।
ये हमारा जी फोर की वैल्यू होगी। आप जी फाइव को जब लिखेंगे तो जी फाइव को देखिए, ए की वैल्यू तो जीरो हो गई सीधे सीधे। अच्छा, इसके इस साइड और इस साइड मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल साइड में देखेंगे तो बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू वन, और वर्टिकल साइड में देखेंगे तो डी की वैल्यू वन ई की वैल्यू जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी, यहाँ तक तो पुराना वाला ही है, यहाँ डी हो गया और ई बार हो गया, है कि नहीं। ये हमको लास्ट वाला टर्म जो जी फाइव वाला है उसका ये टर्म मिलेगा। तो अगर कंबाइनली हम इसको लिखें, ये पूरा हमारा फंक्शन है जो जितने भी मिले हुए थे उन सबको आप सम करके इस तरह से लिख देंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, तीन वेरिएबल का ही, पांच वेरिएबल का ही। तो पांच वेरिएबल हमारे कोई दिया नहीं गया है, तो आप पांचों वेरिएबल को आप ए बी सी डी ई आप मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो इस तरह से दी हुई हैं, हम उनको फिल करने का प्रयास करेंगे। पांच वेरिएबल में 32 सेल्स होंगे, ये 32 सेल्स जो हमारे हैं उसको आप 16-16 के दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इनकी पोजीशंस को फिल करते हैं। तो पोजीशंस को देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, जीरो तो जीरो हमारा आ गया, वन वन भी है, टू थ्री चलो बहुत बढ़िया, फोर नहीं है, फाइव नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवन है, फिर एट नहीं है, नाइन है, टेन नहीं है, इलेवन है, ट्वेल्व नहीं है, थर्टीन है, फोर्टीन नहीं है, फिफ्टीन है, फिफ्टीन है ना, फिर 21 से सीधे शुरू हुआ, मतलब 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 24 है, 25 है, 26 भी है, 27 भी है, यस है ना, फिर क्या है, 29, 28 नहीं है, 29 है, फिर क्या है, 30 नहीं है और 31 है, इतने सारे हमारे मिल गए। अब इसमें कुछ चीजें हम इसमें ध्यान से देख लें तो बहुत सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। एक तो जो ऊपर वाला चार का ग्रुप है, पहले सेल में है ना, ऊपर वाला जो चार का ग्रुप है फर्स्ट ब्लॉक में, वो हमारा चार का ग्रुप और किसी के साथ कंबाइंड नहीं हो पा रहा है, तो चार का ग्रुप अलग बनेगा, ये हमको पता चल गया। अच्छा, ये चार का ग्रुप देखिए, नीचे वाला चार का ग्रुप पहले ब्लॉक में और दूसरे ब्लॉक में भी नीचे वाले चार के जो ग्रुप हैं ये है ना, ये एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, तो ये आठ का ग्रुप बना सकते हैं। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, तो एक तो हमारा ये आठ का ग्रुप हो जाएगा। अब हम पता है कि बाकी आठ के ग्रुप बनेंगे नहीं, तब चार चार वाले ग्रुप खोजते हैं। तो सबसे पहले ये सबसे ऊपर जो हमारा चार का ग्रुप है ना, पहले ब्लॉक से ही हमको हमेशा शुरू करना चाहिए है ना। और फिर एक और यहाँ चार का ग्रुप बन रहा है, एक वन छूट रहा है ना, ये वाला वन छूट रहा है, तो इसका एक ग्रुप और बन जाएगा, तो एक चार का ग्रुप यहाँ भी बन जाएगा हमारा G3। ये G1 हो गया ग्रीन वाले आठ का, G2 हमारा रेड का हो गया और G3 हमारा ब्लू का हो गया, G3 हमारा हो गया। अब G4 को देखिए, यहाँ पर देखो एक चार का ग्रुप इनको कंबाइन करते हुए नीचे वाले को बनेगा और एक चार का ग्रुप यहाँ पर बनेगा, ठीक है। एक ग्रुप आपका G4 हो गया और ये वाला आपका G5 हो गया। इस तरह से हमने ग्रुप्स को डिसाइड कर लिया कौन कौन से ग्रुप हमारे बनेंगे। कितने सेल्स हैं, 32 सेल्स हैं। अब एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले G1 की बात हम करेंगे, तो G1 को देखिए, ये ग्रीन कलर के हमारे जो ग्रुप्स हैं दोनों साइड में दिखाई दे रहे हैं, G1 है, क्योंकि दोनों को मिलाकर आपने ग्रुप लिया है इसलिए ए की वैल्यू आपकी डिफर होगी। ए की वैल्यू आपने जीरो ले लिया, सॉरी ए आपने अनसर्टेन कर दिया, क्योंकि ए वन है आए जीरो है। अच्छा, अब देखिए ये जो हमारा है, ये जो स्क्वायर हम दिखाई दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल साइड में देखिए ध्यान से है ना, तो हॉरिजॉन्टल साइड में बी वन है, दोनों में वन है, लेकिन सी की वैल्यू एक वन है दूसरा जीरो, मतलब सी अनसर्टेन है, तो बी आपने वन लिख लिया और सी को आपने अनसर्टेन कर दिया। और इसी में जब ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो डी की वैल्यू अनसर्टेन है जीरो और वन, और ई की वैल्यू दोनों में वन वन है ना, तो डी की वैल्यू अनसर्टेन हो गई और ई की वैल्यू वन हो गई। मतलब क्या हो गया, ये बी ई आपका हो गया कि नहीं फंक्शन है ना, केवल बी और ई दो ही तो मिल रहे हैं हमको और दोनों की वैल्यू वन है, तो बी ई आपका फंक्शन हो गया। तो G1 जो हमारा है उसकी वैल्यू हमारी बी ई हो गई, ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप G2 को देखिए, G2 हमारा पहले ग्रुप में केवल है, दूसरे ब्लॉक में है नहीं वो, तो पहले ब्लॉक में ए की वैल्यू जीरो फिक्स हो गई आपकी। अच्छा, अब जरा ये तुम्हारा रेड कलर है, तो रेड कलर में हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो बी जीरो और सी जीरो फिक्स हो गया हमारा, तब बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू जीरो आपने लिख लिया। और डी और ई चूंकि वर्टिकल साइड से देखेंगे तो चारों प्लेसेस पर डी और ई की वैल्यूज अलग अलग होंगी, चारों को ही कवर कर रहा है रेड,
डी भी नहीं मिलेगा, ई भी नहीं मिलेगा, क्या मिला? ए बार बी बार सी बार, है कि नहीं? तो हमको मिल गया ए बार बी बार सी बार। तो आपने ये ए बार बी बार सी बार यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, अब ग्रुप थ्री की बात करिए, जी थ्री वाला, ये वाला ग्रुप है। इस जी थ्री को आप जब आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जीरो, क्योंकि हमारा दूसरे ब्लॉक में तो कुछ है नहीं, तो ए की वैल्यू हमारी जीरो हो गई, है ना? एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आता है, ए की वैल्यू जीरो हो गई। अच्छा, अब जरा हम हॉरिजॉन्टल देखें, तो हॉरिजॉन्टल में बी और सी इन चारों ही सेल्स के लिए अलग अलग होंगे। ये वर्टिकल सेल है आपका, तो बी भी नहीं मिलेगा और सी भी नहीं मिलेगा। और एकदम टॉप पर इसके देखिए वर्टिकल साइड से, तो केवल डी की वैल्यू वन और ई की वैल्यू वन, तो डी हमारा वन हो गया और ई हमारा वन हो गया। क्या मिलेगा? ए बार डी ई, ये हमारा तीसरा ग्रुप बन गया, ए बार डी ई। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ए बार डी ई हो जाएगी, है ना? इसको आपने तीसरे को आपने लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, अब अगले ग्रुप को आप सॉल्व करेंगे, जी फोर को। जी फोर हमारा क्या है, सबसे नीचे यहाँ पर बना हुआ है, ये भी ब्लू कलर का आपका बना हुआ है। इसको आप देखेंगे तो अब ये इस ब्लॉक में नहीं, पहले ब्लॉक में नहीं, दूसरे ब्लॉक में, मतलब ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई? वन हो गई, ए की वैल्यू हमारी वन हो गई। अच्छा, ए की वैल्यू वन होने के बाद अब जरा इसके हॉरिजॉन्टल साइड से देखिए, तो बी की वैल्यू भी वन है और सी की वैल्यू हमारी जीरो है। बी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू हमारी जीरो है। और वर्टिकल साइड से देखेंगे तो डी और ई की सारी वैल्यूज तो डिफरेंट ही होंगी, तो डी भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया। तो क्या मिला हमें? ए वन है, बी वन है और सी जीरो है, तो सी की वैल्यू बार हो जाएगी। हमें जी फोर में क्या मिलेगा? ए बी सी बार मिलेगा। इसी तरह से हम जी फाइव को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? ये हमें ए बी सी बार मिल गया। अगर जी फाइव को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ए की वैल्यू वन मिलेगी, क्योंकि दूसरे ब्लॉक में है वो सीधे सीधे। अब इसके लिए अगर हम साइड से देखें तो बी की वैल्यू डिफरेंट है, जीरो और वन, सी की वैल्यू सेम है, वन वन, तो सी की वैल्यू आपने वन लिख दिया। और इधर से देखिए तो डी की वैल्यू आपकी क्या है? डिफरेंट है, डी की वैल्यू डिफरेंट है। और ई की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? सेम मिल रही है, मतलब ई की वैल्यू भी हमारी वन है, मतलब बी हमारा नहीं मिलेगा और डी हमें नहीं मिलेगा। तो आपने लिख दिया ए सी ई, ये हमको मिलेगा फंक्शन ए सी ई, तो हमारा ए सी ई हो गया। पांचों हमको मिल गए, पांचों ग्रुप सॉल्व हो गए, यस सारे वंस कंप्लीट हो गए, यस। तब आप क्या करेंगे, उन सबको एक साथ सम करके इस तरह से लिख देंगे। अब हम 32 बिट से आगे बढ़ते हैं, 64 बिट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो अब आइए, 64 बिट में थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जरूर जाता है, लेकिन ये बहुत आसान, एकदम वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। आपको देखो 6 वेरिएबल होंगे इसमें, ए बी सी डी ई एफ, 6 वेरिएबल है। तो ए बी आप तो वेरिएबल छोड़िए, आपको 16-16 के ग्रुप में दिखाना है, तो सी डी ई एफ को आप ग्रुप में दिखाइए, है ना, सेल्स में। तो सी डी यहाँ हो गया और ई एफ यहाँ हो गया। इनके लिए दो वेरिएबल 0001101011, इधर भी दो वेरिएबल 0001101011, ऐसे अपने चारों ब्लॉक्स में 16-16 सेल अपने दिखा दिया। तो 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, है ना? तो 64 सेल्स का ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले चीज, 6 वेरिएबल में कितने सेल्स होंगे? 64 सेल्स, 2^6 = 64, याद रखिएगा। और जो हमारा ए बी है, शुरू वाले जो दोनों वेरिएबल थे, उसको आपने, उसके भी तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 00 पहले सेल ब्लॉक का आपने नाम दे दिया 00, दूसरे ब्लॉक का आपने नाम दे दिया 01, तीसरे ब्लॉक का आपने नाम दे दिया 10, चौथे ब्लॉक का आपने नाम दे दिया 11, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना? इस तरह से आपने इन वेरिएबल्स का नामनक्लेचर कर दिया, है कि नहीं? अब जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हम इन सेल्स की कहानी जरा देखें। तो जो जो हमको दिया हुआ है उनको हम एक एक करके फिल करते चले जाएंगे, याद रखिएगा, एक एक करके फिल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, M की पहली वैल्यू क्या है? 0, तो आपने 0 भर दिया। फिर 1, आपने यहाँ पर 1 भर दिया, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 है नहीं, 5 आया, 5 कहाँ आ गया? ये आ गया। 6 आया नहीं, 7 यहाँ आ गया। फिर 8 है, 9 नहीं है, 10 है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 है, है ना? यहां तक हो गया हमारा। अब 16 यहां से शुरू होगा, अगले सेल की हम बात करेंगे, है ना? तो 16 दिया नहीं है, तो 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है,
21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, यस। फिर 28 नहीं है, 27 के बाद 28 नहीं है, 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया 31 तक। अब 32 से शुरू करना है, फिर आगे बढ़े हम। 32 दिया हुआ है, 32 है, 33 नहीं है, 34 है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 है, 41 है ना, 42 नहीं है, 40 है, 41 है, 42 है, 43 नहीं है, फिर 44 है, 45 है, 46 नहीं है, 47 नहीं है। अब 48 से शुरुआत करेंगे, लेकिन 48 दिया नहीं है, है ना, ठीक है, 45 तक दिया है, 44, 45, 46, 47 था नहीं, फिर 48 भी नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं, 52 है, यहाँ से शुरू किया, 53 है, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62 नहीं है, 63 नहीं है। इन दिस वे हमने इन वंस को यहाँ पर फिल कर दिया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनका ग्रुप करना एक बहुत बड़ी समस्या है कि ग्रुप कैसे करें, है ना। अब आप ध्यान से देखिए कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, 64 नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये हमको पता चल गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका ग्रुप करना है, और सबसे पहले हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो हमको मिल जाए। चलो 16 के ग्रुप के लिए पहले प्रयास करते हैं। तो ये ऊपर 4 है, लेकिन यहाँ कोई 4 नहीं है, ये खत्म हो गया। अच्छा, इधर ये 4 है, नीचे ये 4 है, तो 4-4 का 8 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, है ना, मतलब 8 ही का बनेगा ये, ठीक है, मतलब 16 के ग्रुप बनने के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन 16 का ग्रुप नहीं बन रहा है। एक आपका 4 का ग्रुप ये बनेगा और एक 4 का ग्रुप आपका ये बनेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लियर है, मतलब ये सारे हमारे इसमें नहीं आएंगे। तो अब हम क्या करें, अब हमको जो ग्रुप बनाना है वो 8-8 का ही बनाएंगे। अब 16 के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, तो 16 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, 8 का ग्रुप बनाएंगे। तो एक सिंपल सी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कोने का जो 1 है, ये कोने का 1 है, ये कोने का 1 है, ये कोने का 1 है, 4 ये, तो यहाँ भी कोने कोने वाले 1 जो हमारे 4 ये है, तो 8 का ग्रुप तो ये हमारा बन जाएगा। इसी तरह से ये जो 4 का हमारा ये 1 है और 4 ये हमारे 1 है, इनका भी एक ग्रुप बन जाएगा 8 का। ये जो हमारा 1 है सेकेंड ब्लॉक में सबसे नीचे, और फोर्थ ब्लॉक में जो सबसे नीचे है 1, ये 4-4-1 8 का ग्रुप ये हमारा बन जाएगा, है ना। इसी तरह से ये जो देखो तीसरे ग्रुप में नीचे के कॉर्नर में 4 का ग्रुप, और चौथे ब्लॉक के नीचे 4 का ग्रुप, ये भी एक साथ ग्रुप बन जाएंगे। तो 4 तो हमको 8-8 के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। अब 8-8 के ग्रुप को जब हम फिल कर लेंगे तब हमको ये पता चलेगा, ठीक है, 1-8 का ग्रुप ये बना, 1-8 का ग्रुप ये बना, 1-8 का ग्रुप ये बना, और 1-8 का ग्रुप ये बना। चारों ग्रुप हमारे बन गए, चारों के नाम हमने लिख दिए। तो हमारा G1 हो गया, G2 हो गया, हमारा G3 हो गया, और ये हमारा G4 हो गया। बढ़िया है। अच्छा, अब इसके बाद हम कम से कम 4-4 के ग्रुप बनाएंगे, जिससे हमारे जो बचे हुए वंस हैं वो हमारे कंज्यूम हो जाए, है कि नहीं। तो एक तो हमारा देखो, अगर इन दोनों को आप देखो, इन दोनों को, ये दोनों 1 और ये दोनों 1, 4 का ग्रुप बना लेंगे। एक ये चारों मिलकर एक 4 का ग्रुप बना लेंगे, है कि नहीं, ये भी हमारा कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पर। तो 4-4 के दो ग्रुप यहाँ बनेंगे। अच्छा, इधर जरा देखिए, एक 4 का ग्रुप आपका यहाँ दिखाई दे रहा है और एक 4 का ग्रुप ये सीधी सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर वाली पहले ब्लॉक में सबसे ऊपर के चारों, है ना, एक 4 का ग्रुप वहां बनेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक 4 का ग्रुप ये बना, एक 4 का ग्रुप हमारा ये बना, G5 G6, एक 4 का ग्रुप जो हम बता रहे थे 2-2 और मिलाकर ये 4 G7 हो गया, और एक 4 का ग्रुप ये हमारा रेड कलर का है जिसको आप G8 के नाम से जान रहे हैं। तो सो देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स। क्योंकि इनको सॉल्व करने में, इसको देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब आप अलग अलग कलर से इसको बनाते हैं ना, तो आपको सारे ग्रुप इंडिविजुअल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सभी एक दूसरे में मिक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मिक्स दिखाई देने का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, काफी मुश्किल काम तो नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। फिर भी हम आपको सॉल्व करते समय अलग अलग ग्रुप वाइज इसको बताएंगे एक एक करके। तो जो पहले ग्रुप की हम बात करते हैं, ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 में ये चारों वंस एक साथ हैं हमारे,
अब इसमें देखिए, मतलब ये ए बी की ये दोनों वैल्यूज तो हमारी इसमें यूज नहीं होनी है, खत्म हो गई, यही दोनों यूज होनी है। तो यहां पर ए की आप वैल्यू देखो डिफरेंट है, बी की भी आप वैल्यू देखो वो सेम है, मतलब ए आपका अनसर्टेन हो गया और बी की वैल्यू जीरो हो गई। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब हमारे पास ग्रुप बचे हैं जिसमें सी डी की वैल्यूज हैं, तो सी डी की वैल्यूज इन दोनों को हॉरिजेंटल से देखेंगे, तो सी की वैल्यू यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, मतलब सी आपका नहीं रहेगा। डी की वैल्यू यहाँ जीरो है और यहाँ भी जीरो है, मतलब डी आपका जीरो हो गया। और ऊपर से जब देखेंगे ई और एफ में, तो ई की वैल्यू जीरो है और यहाँ वन है, ई भी आपका खत्म हो गया। एफ की वैल्यू जीरो जीरो है, तो एफ की वैल्यू जीरो ले लेंगे। तो क्या है, बी जीरो है ना, बी जीरो मिल गया, डी जीरो मिल गया, एफ जीरो। इसको लिख सकते हैं ना, बी बार डी बार एफ बार, होगा कि नहीं होगा आप बताओ। ये हमारा हो गया बी बार डी बार एफ बार, ये हमारा पहला जीवन का मिल गया। ठीक है, अब जी टू की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जी टू हमारा ये ग्रुप था है ना, इसमें देखेंगे तो अब ए बी 10 और ए बी 11 का कोई मतलब नहीं, इन दोनों को भूल जाइए आप, क्योंकि ये ब्लॉक्स यूज नहीं हुए इस ग्रुप में। अच्छा, अब इधर से जरा देखिए, ए बी की वैल्यू जीरो जीरो, ए बी की वैल्यू जीरो, मतलब ए की वैल्यू तो जीरो है दिख रहा है, बी की वैल्यू इसमें जीरो है, इसमें वन है, तो बी की वैल्यू आपकी अनसर्टेन हो गई। अच्छा, अब ये हमारे ये हॉरिजेंटल ग्रुप्स को आप देखिए, वर्टिकल ग्रुप्स को, तो वर्टिकल ग्रुप को आप देखेंगे तो सी और डी की तो सारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, तो सी डिफरेंट हो गया, डी डिफरेंट हो गया। और ऊपर की साइड से देखिए तो ई की वैल्यू वन है और एफ की वैल्यू भी वन है, मतलब क्या मिला, ए बार ई एफ, ये हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो जी टू को अगर आप देखें, ए बार ई एफ, ये हमारा फंक्शन हो गया। दिस इज वेरी सिंपल है ना, आप इसको देखेंगे तो बहुत आसान है। तीसरे ग्रुप में आप जाइए, तीसरा ग्रुप हमारा यहाँ का है, मतलब ये यूज होगा और ये यूज होगा, मतलब ए बी के ये दोनों वैल्यूज यूज नहीं होंगे, ये पूरा को आप भूल जाइए। आप देखिए इसमें, इसमें ए ए की वैल्यू आप देखेंगे तो जीरो है, इसमें वन है, मतलब ए आपका अनसर्टेन हो गया। बी की वैल्यू यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, बी की वैल्यू आपकी वन हो गई। सी की वैल्यू, अच्छा अब देखो इधर से आप चूंकि हॉरिजेंटल ग्रुप आप हॉरिजेंटल साइड में देखेंगे तो इन चारों सेल के लिए तो कॉमन ही होगा, तो सी की वैल्यू आपकी हो गई वन और डी की वैल्यू हो गई जीरो। अच्छा, ऊपर के साइड में ई और एफ की वैल्यू चारों बिट आपके कहीं ना कहीं डिफरेंट हो ही जाएंगे, तो ई भी आपका खत्म हो गया, एफ भी आपका खत्म हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं ना बी सी डी बार, क्योंकि बी वन है, सी वन है, डी जीरो है ना, तो बी सी डी बार हो गया आपका। तीसरा तीसरा ग्रुप आपका सॉल्व हो गया। चौथे ग्रुप में आप बात करिए, फोर्थ ग्रुप हमारा ये है जी फोर। जी फोर को जब हम देखने जाते हैं तो इसमें आपका ये दोनों ये भी हमारे यूज होंगे, और ऊपर वाले दोनों सेल्स चूंकि यूज नहीं हुए इसमें तो इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, अब ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू वन है दोनों जगह पर, तो ए आपने वन ले लिया। बी हमारा क्या है, पहले में जीरो है, दूसरे में वन है, तो बी हमारा क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। अच्छा, अब ये हॉरिजेंटल साइड से देखिए, मतलब ये दोनों में सी हमारा वन है, डी अनसर्टेन है, तो सी हमारा वन हो गया, डी अनसर्टेन हो गया। ऊपर की साइड से देखिए, ई की वैल्यू जीरो है, एफ अनसर्टेन है, ई की वैल्यू जीरो है और एफ अनसर्टेन है, मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसको, ए वन है, ए सी वन है, सी ई हमारा तो ई डैश हो गया, ई जीरो है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए सी ई डैश, तो ये हमको क्या मिल गया, ए सी ई डैश मिल गया। फिर आप ग्रुप फाइव की बात करिए, ग्रुप फाइव तो अकेले है ना, चार का ग्रुप है, तो इसमें तो सीधे सीधे ए और बी की वैल्यू जीरो जीरो होंगे, तो ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया। अब इधर से आप देखिए, हॉरिजेंटल साइड से सी जीरो हो गया, डी जीरो हो गया, ई और एफ मिलना नहीं है क्योंकि ये चारों ही सेल्स यूज हो रहे हैं, इस तरह से क्या मिल गया, ए बार बी बार सी बार डी बार, ऐसा हमको मिला। फिर अगला ग्रुप जी सिक्स, इसमें भी आप देखिए ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, बहुत आसान है। अब इन दोनों को आप देखिए, सी की वैल्यू हमारी डिफरेंट है, डी की वैल्यू वन है, तो सी नहीं मिलेगा, डी की वैल्यू वन हो गई। ऊपर की साइड से देखिए, ई नहीं मिलेगा, एफ की वैल्यू वन है, तो ई आपका खत्म हो गया और एफ की वैल्यू वन हो गई, मतलब ए बार बी बार डी एफ, ऐसा हमको मिलेगा, तो हमको ये आउटपुट मिल गया, ए बार बी बार डी एफ, है ना। सिक्स भी सॉल्व हो गया। अब सेवन की बात करिए, ये दोनों को मिलाकर ये मिला है, तो यहाँ पर ए और बी इन दोनों को देखेंगे तो ए हमारा दोनों में वन है, बी हमारा डिफरेंट है, तो बी को आपने छोड़ दिया। इधर से हॉरिजेंटल साइड से देखिए, सी की वैल्यू हमारी डिफरेंट है, डी की वैल्यू वन है, तो सी हमारा छोड़ दिया हमने, डी की वैल्यू वन ले लिया।
ऊपर के साइड से देखिए, ई की वैल्यू 0 है और एफ की वैल्यू 1 है, तो क्या मिल गया हमको, ए डी ई बार एफ, है ना, ई बार क्योंकि ई की वैल्यू 0 है हमारी, तो हमारा क्या मिल गया, ए डी ई बार एफ, ऐसा हमको मिला। लास्ट हमारा क्या है, जी एट है, जी एट को आप देखिए 4 का ये भी ग्रुप है, इसको आप जब देखेंगे तो अब ए और बी तो इसके लिए चूंकि एक ही ब्लॉक में है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, इधर से आप देखिए सी मिलेगा नहीं, डिफरेंट है, डी की वैल्यू आपको 1 मिल गई, तो सी कट गया, डी की वैल्यू 1 हो गई। ऊपर से देखिए ई की वैल्यू 0 मिल गई और एफ की वैल्यू अनसर्टेन है, है ना, तो आपको क्या मिल गया, ए बी डी ई बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस मिलेगा, तो ए बी डी ई बार मिल गया हमको। इस तरह से 8 ग्रुप आपने सॉल्व कर लिया। अब इन जो भी आपको 8 ग्रुप मिले हैं इनको आप एक साथ कंबाइन करके उसका आंसर लिख दीजिए प्लस करते हुए, तो पहले ग्रुप का जो आया था, फिर दूसरे का जो आया था, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, सातवें का, आठवें का, उन सारे ग्रुप के टर्म्स को आपने प्लस करके लिख दिया। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं डोंट केयर कंडीशंस के लिए। डोंट केयर क्या कंडीशन होती है, डोंट केयर का मतलब होता है कि जब हम मिन टर्म को लिखते हैं, है ना, मिन टर्म को जब हम लिखते हैं, जैसे ये हमारा है ए बी सी, हमारा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1, ऐसा है हमारा, और इसके लिए मिन टर्म्स में कहीं वैल्यू इसकी 1 होती है, भाई अगर लिखें ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, मान लो ये दोनों प्लेसेस पर आउटपुट डिफाइंड नहीं है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब ये हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं इसको जानने की कि हमारा 0 होगा कि 1 होगा। ऐसे जो पोजीशंस होते हैं इनको आप डोंट केयर बोलते हैं, दे डोंट बॉदर वेदर देयर वैल्यूज विल बी 0 और 1, ओके, इसीलिए इसको डोंट केयर बोलते हैं, दे डोंट केयर अबाउट दैट कि उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो जब हम उसको मिन टर्म में इन डोंट केयर्स को यूज करते हैं, उनकी वैल्यू 1 यूज कर लेते हैं, जब मैक्स टर्म में यूज करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 यूज कर लेंगे। लेकिन ये 1 और 0 जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो सिर्फ उतने ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे ना जिनकी या तो 0 होंगी या तो 1 होगी वैल्यूज, तो उनको सबको हम थोड़ी ले लेंगे, हम सिर्फ उन्हीं को 1 लेंगे, उन्हीं वंस को कंसीडर करेंगे डोंट केयर को 1 के रूप में, जिनसे हमारा फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा, और जिनसे हमारा फंक्शन मिनिमाइज नहीं हो गया उनको हम हटा देंगे, है ना, ठीक है। यहाँ स्वार्थपरता के अनुसार है कि हमारा जिससे काम निकलेगा उसको हम यूज करेंगे, जिससे हमारा काम नहीं निकलेगा उसको हम छोड़ देंगे, क्लियर है, याद रखिएगा। कितने वेरिएबल हैं इस फंक्शन में, देयर आर 4 वेरिएबल्स w x y z, 4 वेरिएबल हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, 16। अब आप जब पोजीशंस को फिल करिए, आइए पोजीशंस को फिल करके देखते हैं, पहले मेन आपके जो है 2, तो आपका 0 1 और 2 ये है, 2 आ गया, फिर 3 4 5 6, 3 4 3 यहां हो गया, 4 5 6 ये आ गया, फिर 7 यहां पर नहीं है, 8 है ना, 8 यहां पर आ गया, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13 नहीं है, 14 है और 15 है, इतने हो गए। अब डोंट केयर को जरा देखिए, डोंट केयर 0 पोजीशन पर है, ये आपने क्रॉस कर दिया, 1 फर्स्ट पोजीशन पर है, क्रॉस कर दिया, 3 खाली है, क्रॉस कर दिया आपने, 4 को आपने क्रॉस कर दिया, 7 को आपने क्रॉस कर दिया, तो जो पोजीशंस थे उन पोजीशंस को आपने फिल कर दिया। मैंने जो बात की थी उसको ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे जो डोंट केयर हैं, चूंकि ये मिन टर्म हम 1 यूज कर रहे हैं, तो ये डोंट केयर इस समय 1 की तरह ट्रीट होंगे एसओपी में। पीओएस में अगर हम यूज करेंगे इसी डोंट केयर को तो 0 की तरह ट्रीट होंगे, क्योंकि वहां पर 0 की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमने लिखा भी है कि एसओपी है, एसओपी में हम लोग यहां पर डोंट केयर्स को 1 की तरह यूज करेंगे, क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरी बात मैं कर रहा हूं, अब यहां पर नंबर ऑफ सेल्स, अगर देखो ये डोंट केयर ना होते तब क्या करते, ये 4 का एक ग्रुप बना लेते, 4 का एक ग्रुप बना लेते, 4 का एक ग्रुप बना लेते, ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है आपने। अब देखिए चूंकि डोंट केयर आ गया और डोंट केयर हम 1 की तरह ट्रीट करेंगे, तो अब ये जो 4 है ऊपर है और ये जो 4 नीचे है ये किनारे किनारे वाले हैं दोनों, तो 4 और 4 का मिलकर 8 का एक ग्रुप यहां पर बनेगा, और दूसरा जो हमारा 4-4 का, ये देखो 4-4-8 का ग्रुप ये सीधे यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारा, अब देखो कौन कौन से, ये और ये 4 डोंट केयर यूज हो जाएंगे, एक डोंट केयर बचा, तब इसके लिए हम अलग से ग्रुप बनाने नहीं जाएंगे, हमने पहले ही बताया था हम मैक्सिमम नंबर ऑफ
सेल्स को एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आप डोंट केयर वैल्यूज को यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई डोंट केयर ऐसा रह गया जो इसके अलावा भी खाली बच जाएगा उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। सो देयर विल बी टू ग्रुप्स, एक वन हो गया हमारा ये जी वन और दूसरा हमारा क्या हो गया ये, इसको अब नाम अपने नाम दे दिया जी टू। इज इट ओके और नॉट? यस वेरी ओके, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम उनके इनकी वैल्यूज को रखना है। तो पहले आप जीवन को सॉल्व करिए। तो जीवन जो हमारा दिखाई दे रहा है, जीवन के लिए हॉरिजॉन्टल साइड से आप देखिए, तो चूंकि ये चारों ही सेल्स यूज हो रहे हैं, है ना, एक लाइन से, तो W की वैल्यू और X की वैल्यू एकदम सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, इसलिए W और X दोनों हमारे क्या होंगे, छूट जाएंगे। अब ऊपर की साइड से आप देखें तो Y की वैल्यू 1 है और Z की वैल्यू अनसर्टेन है, तो केवल Y हमको मिलेगा, Y इज इक्वल टू 1 और Z इज अनसर्टेन। इसका आउटपुट क्या मिलेगा, Y के टर्म में मिलेगा, तो Y हमको मिल गया, Y इज इक्वल टू 1 है, क्लियर है। तो हमारा ग्रुप वन हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1 हो गया, क्लियर है कि नहीं? यस वेरी क्लियर। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, g2 को देखिए, हॉरिजॉन्टल साइड मतलब इस साइड, ऊपर वाले साइड से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मतलब y और z आपका तो खत्म ही हो गया है ना, y और z दोनों अनसर्टेन है। अब इस साइड से आप देखिए w की वैल्यू 0 है और यहां पर 1 है, जबकि x की वैल्यू यहां 0 है और यहां 0 है, तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 यही तो खाली मिलना है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, x बार लिख देंगे। सो व्हाट वी गॉट, x बार, है ना। तो g2 के लिए आपको क्या फंक्शन मिला, x बार मिल गया, ये आपको मिला, है ना, x बार। तो आप अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे, तो f इज इक्वल टू x बार प्लस y, इस तरह से आपने इसको मिनिमाइज कर लिया। यही जब क्वेश्चन हमने पहले किया था तो इसमें तीन फंक्शन आपको मिल रहे थे, तीन टर्म्स आपको मिल रहे थे, उसमें भी दो दो वेरिएबल के तीनों टर्म थे, अब आपको एक एक वेरिएबल के दो टर्म मिले हैं, सो सर्किट और मिनिमाइज हो गई डोंट केयर की सहायता से। व्हेनेवर वी यूज डोंट केयर हमारा जो फंक्शन होता है और आसान हो जाता है। चलिए एक और देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज योर पाई, पाई का मतलब मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म का मतलब आप समझते ही, यहाँ पर प्लस की बात हम लोग करेंगे, है ना। कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल को आप यूज करेंगे तो 8 सेल्स होंगे आपके, और यहाँ पर डोंट केयर आपके जीरो की तरह यूज होंगे क्योंकि ये पीओएस फॉर्म में होगा, पाई दिया हुआ है ना। तो आपने जीरो वाली पोजीशन पर जीरो फिल किया, वन वाले पर भी फिल किया, टू वाले पर भी फिल किया, थ्री में कुछ है नहीं, फोर को आपने फिल कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। डोंट केयर कहाँ कहाँ है, सिक्स पर है और सेवन पर है। अब आप इसका ग्रुपिंग करिए, एक ग्रुप आपका देखो, अगर ये डोंट केयर ना होता तो आप ये दो का ग्रुप बनाते, ये दो का ग्रुप बनाते और ये किनारे किनारे के दो का बनाते, लेकिन अब ये डोंट केयर हो गया तो ये भी आपका जीरो की तरह ट्रीट होगा ना, ये दोनों जीरोज और ये दोनों जीरोज मिलाकर एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और एक जीरो और बच रहा है खाली, इस डोंट केयर से हमको मतलब नहीं रहेगा, डोंट केयर हम तभी यूज करेंगे जब हमारा मिनिमाइज होगा, जैसे ये डोंट केयर हमने यूज कर लिया, मिनिमाइज कर रहा है फंक्शन को, और एक ही जीरो बचा है तो उसका दो का ग्रुप आप और बना लीजिए, जिसको जीवन हमने कहा, इसको जी टू हमने कहा। अब जरा जीवन की कहानी देख लेते हैं, जब हम जीवन को देखने जा रहे हैं तो इधर x की वैल्यू तो दोनों के लिए डिफरेंट होगी, तो x आपका खत्म हो गया, जबकि y को अगर आप देखें, y और z को यहां से, तो y आपका डिफरेंट है, y भी आपको नहीं मिलेगा, ये दोनों ही आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन z की वैल्यू आपको जीरो मिल रही है। सो विल गेट, और ये पीओएस है तो पीओएस में बार के लिए तो वेरिएबल सीधे लिख देते हैं, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है कि नहीं, तो आपको सीधे मिल गया जेड। अच्छा जी टू को जरा सॉल्व कर लें, जी टू को देखिए, G2 आपका दो का ये ग्रुप है, इसमें x की वैल्यू जीरो आई है, तो x आपका जीरो हो गया। इधर से देखिए इन दोनों को, तो y आपका जीरो है लेकिन z आपका अनसर्टेन है, है ना। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर x प्लस y मिलेगा, क्यों, क्योंकि POS में लिखना है, सम आएगा, यहाँ पर जो टर्म आएगा वो सम टर्म होगा, और दोनों जीरो है इसलिए बार नहीं लगेगा, तो x प्लस y मिल गया। अब जब आप POS को लिखते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं सारे टर्म्स का, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई एंड जेड, ये हमको मिलेगा आउटपुट। तो इस तरह से मिनिमाइज करने पर फंक्शन और मिनिमाइज होता जाएगा। ऐसे डोंट केयर से एक 64 बिट का भी कर लेते हैं, पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 64 बिट का, वही क्वेश्चन है, इसमें डोंट केयर भी कुछ आ गए हमारे, है ना। तो डोंट केयर जो हमारे हैं उसमें आप देखेंगे ये आपका है 9, 14, 17, 33, तो मैं सारी प्लेसेस को यहाँ पर फिल करता चला जाता हूँ, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर नहीं है, है ना, फाइव हो गया, सिक्स नहीं है, सेवन हो गया, फिर एट नहीं, एट है, नाइन नहीं है, है ना, टेन है,
11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 है, फिर यहाँ से चलिए 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 है, 31 तक यहाँ तक हो गया। अब 32 है, 33 नहीं है, 34 है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 है, 41 है, 42 है, 43 नहीं है, 44 है, 45 है, 46 नहीं है, 47 नहीं है, 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 है, 53 है, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62, 63 नहीं है। अब डोंट केयर को भी भर दीजिए इसमें। डोंट केयर क्या है? एक तो 9 है, 9 वाली प्लेस कहाँ है? ये ओके, 9 प्लेस। ये तो हमारा 8 है, तो 8, 9 ये वाला है, एक तो हमारा ये आ गया डोंट केयर। 14 पर ये हमारा आ गया, 17, 16 प्लस 1, 17 ये हमारा आ गया, फिर 33 ये हमारा आ गया, फिर 36 ये हमारा आ गया, 38 ये हमारा आ गया, है ना, फिर 43 हमारा ये आ गया, 46 हमारा ये आ गया, 43 हमारा ये है, 46 हमारा ये आ गया, और लास्ट में 62 और 63 हमारे ये दोनों पोजीशंस आ गए। इन सबको आपने फिल कर दिया। एक बार आपने फिल कर लिया, अब हमें इसमें ग्रुपिंग करनी है। हम चाहते हैं कि कम से कम 16 का एक ग्रुप बन जाए, तो 16 का ग्रुप पॉसिबल है क्या? जरा देखें, तो ऊपर का जो 1 है और नीचे का जो 1 है, 8 का ये ग्रुप बन सकता है, लेकिन ऊपर यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये वाला ऊपर छोड़ना पड़ेगा, खाली नीचे वाले को देखिए, तो नीचे वाला एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप सबसे नीचे है, एक ग्रुप सबसे नीचे है। वाह, 8 का एक ग्रुप तो हमारा ये बन रहा है, 16 का, है ना, तो 4 × 4 मतलब 16, इसको आपने जीवन नाम दे दिया, बहुत अच्छा हो गया ये। पिछली बार 8 ग्रुप बने थे, याद करिएगा, डोंट केयर आने से ग्रुप्स की संख्या कम होनी चाहिए। तो एक तो 16 16 का ये ग्रुप हमारा बन गया। अच्छा, अब देखें और 16 का कोई ग्रुप बनेगा क्या? ये 8 है यहाँ पर, लेकिन इधर 8 नहीं है, बहुत दुखद है। यहाँ पर 8 है लेकिन नीचे वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब अब और कुछ यहाँ पर नहीं मिल रहा है 16 का, अब 8 ही 8 का अकेले मिलेगा। तो 8 का एक ग्रुप आपका सीधे ये मिल रहा है, एक 8 का ग्रुप ये ऊपर 4 है और नीचे 4 है, इसके साथ मिल रहा है ना। एक आपका ये ग्रुप हो गया, एक आपके ये अगल बगल वाले ग्रुप हो गए। ये देखो, ये ग्रुप आपका कॉम्बाइंड हो रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का ग्रुप आपका ये बन रहा है, ठीक है। एक 8 का ग्रुप ये बना आपका, G5 के नाम से आपने कर दिया, ये डोंट केयर अब आपका छूट गया, अब इसे कोई मतलब नहीं रहेगा हमको। एक 4, ये आपका 4 है, तो ये 4 का ग्रुप, ठीक है, इस 4 के साथ कंबाइन होके ये 8 का ग्रुप यहाँ पर बना रहा है, 4 इधर है, 4 इधर है, क्लियर हो गया। इस तरह से आप इसमें ग्रुपिंग कर पा रहे हैं। तो अब ग्रुप करने के बाद हमको क्या करना है? तो G1 हो गया, G2 हो गया ये, G3 हमारा हो गया ये, G4 हमारा हो गया ये, जो आपके कॉर्नर वाले ग्रुप हैं, G5 हमारा ये हो गया, और G6। तो पिछली बार 8 ग्रुप बने थे डोंट केयर यूज होने के बाद, कितने बने? डोंट केयर यूज होने के बाद आपके पास केवल आपके 6 ग्रुप बन रहे हैं। सो मिनिमाइज तो हुआ ही है ना। अब आप एक एक ग्रुप को सॉल्व करिए। पहले यह ग्रुप है G1, G1 को जरा देख लें। G1 को आप देखेंगे तो 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है और 4 ये है ना, तो मतलब ए बी चारों में डिफरेंट होगा, या चारों ही ब्लॉक आपने यूज कर लिए, तो ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया। अच्छा, अब सी इधर से देखिए, आप हॉरिजॉन्टल साइड से आप देखेंगे, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है, और वर्टिकल साइड में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल साइड में ई एफ जो है वो चारों के लिए अलग अलग मिलेंगे। ई भी खत्म हो गया, एफ भी खत्म हो गया, क्या मिलेगा आपको? सी डी बार मिलेगा कि नहीं? यस। तो G1 हमें क्या मिल गया? सी डी बार मिल गया। G2 को जरा देखें, तो G2 में अब केवल पहला ही ब्लॉक यूज हुआ है, तो A आपका हो गया 0, B हमारा हो गया 0, C और D हमारे डिफरेंट हो गए, क्योंकि चारों सेल हॉरिजॉन्टली यूज हो रहे हैं, मतलब चारों रोज के लिए आपके सेल्स यूज हो रहे हैं, तो C भी हमारा डिफरेंट हो गया, D भी डिफरेंट हो गया, और ऊपर के साइड से आप देखें तो E की वैल्यू आपकी डिफरेंट है 0 और 1, F की वैल्यू सेम है, तो E भी हमारा खत्म हो गया, F की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या मिलेगा? A बार
बी बार एफ मिलेगा कि नहीं? यस, ए बार बी बार एफ मिल गया। ग्रुप थ्री को सॉल्व करें, ग्रुप थ्री को जब सॉल्व करेंगे जी थ्री को, तो आपका ए बी ये दोनों आपके यूज होंगे, तो ए की वैल्यू तो जीरो है दोनों में, ए जीरो हो गया, लेकिन बी इसमें जीरो है इसमें वन है, तो बी खत्म हो गया। अब देखो सी और डी, चूंकि ये वर्टिकल ग्रुप है तो सी और डी तो मिलेंगे नहीं आपको, तो सी खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, और ई और एफ को देखे तो वन वन है, तो ई की वैल्यू वन है और एफ की वैल्यू वन है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बार ई एफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ए बार ई एफ हो जाएगा। फिर जी फोर की बात करिए, जी फोर ग्रुप में आपका ये दोनों ए और बी की ये दोनों वैल्यूज हमारी यूज हो रही है, ए की वैल्यू डिफरेंट है यहाँ जीरो यहाँ वन, बी की वैल्यू सेम है, तो ए खत्म हो गया लेकिन बी की वैल्यू हमारी क्या मिली, जीरो मिल गई। अच्छा सी और डी को आप देखिए, अब इधर से सी और डी को देखना है ना, तो सी की वैल्यू डिफरेंट है जीरो वन, डी की वैल्यू सेम है जीरो, तो सी हमारा खत्म हो गया, डी की वैल्यू हमारी जीरो हो गई। और इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे तो ई की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ऊपर की तरफ से ये दोनों है हमारे ग्रुप, क्योंकि यहाँ और यहाँ का ग्रुप बन रहा है, तो ये ई की वैल्यू हमारी डिफरेंट है और एफ की वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है, तो जीरो हो गई, तो बी जीरो डी जीरो एफ जीरो, तो बी बार डी बार एफ बार, ऐसा हमको आउटपुट मिलेगा, तो हमको मिल गया बी बार डी बार एफ बार। अगले में आते हैं जी फाइव, पांचवा ग्रुप है ना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक ही ब्लॉक में यूज हुआ है तो ए की वैल्यू वन हो गई, बी की वैल्यू हमारी जीरो हो गई, क्लियर है? बहुत अच्छा। सी और डी हमारे हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन रहा है तो सी और डी हमारा खत्म हो गया, ठीक है, तो सी भी खत्म डी भी खत्म। अच्छा ऊपर से देखिए ई और एफ को, तो ई की वैल्यू आपकी सेम है जीरो और एफ की वैल्यू डिफरेंट है, तो खत्म हो गया, तो क्या मिलेगा, ए बी बार ई बार है ना, क्योंकि बी और ई जीरो है, ए बी बार ई बार ये हमको मिला। आखिरी जो हमारा ग्रुप बन रहा है ये इन दोनों ब्लॉक्स को कंटेन कर रहा है, ए बी वन जीरो है, ए बी वन वन है, ए की वैल्यू दोनों में वन है, बी अनसर्टेन है। चलो अब सी की वैल्यू जरा देखिए, इधर से सी की वैल्यू डिफरेंट है हमारी और डी की वैल्यू हमारी वन है। अच्छा इधर से देखिए ई की वैल्यू हमारी वन जीरो है ना, ई की वैल्यू दोनों में जीरो है, एफ की वैल्यू हमारी अनसर्टेन है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ए डी ई बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस, ए डी ई बार, ये हमारा फाइनल ग्रुप का ये आंसर आएगा। तो आप इनको अगर एक साथ लिखना चाहें तो इसका हमारा आउटपुट क्या आएगा, इन सबको प्लस करके हम इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से डोंट केयर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आप इस तरह से करते हैं, जहां पर भी डोंट केयर आ जाएगा डोंट केयर हमारा वन की तरह यूज होगा, जो डोंट केयर बच जाएंगे, जैसे ये बच गया हमारा, ये बच गया यहाँ पर, ये दोनों बच गए है ना, जब ऐसे बच जाएंगे उनको आप छोड़ दीजिए, उनके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, है ना, उनको आप तब यूज करिए जब उनकी जरूरत हो, है ना। आप देखो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आठ का एक ग्रुप बना सकते थे, फिर ये दोनों वन रह जाते हमारे, इसलिए यहाँ पर जो आप बनाएंगे वो हमारा रिडंडेंट टर्म होगा, है ना, क्योंकि वो दोनों जो हमारे क्रॉसेस दिखाई दे रहे हैं उनका आप कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा, एक टर्म बढ़ाएगा ही वो, इसीलिए हम उन्हीं क्रॉस को यूज करेंगे जो फंक्शन को मिनिमाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा और भी आप क्वेश्चंस अलग से आप जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आते रहे, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहां पर जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से आप फंक्शंस को उठाइए, बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर कोई समस्या आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज ये हो गई, दूसरी बात ये है, इसके अलावा आप ईमेल आईडी एक दिया गया, उस ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क करिए, है ना, और फिर भी कोई समस्या आती है तो ईमेल आईडी पर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ेंगे तो वहां पर भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। दो बात ये हो गई, तीसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है, और लोगों से करवाना भी है, लोगों तक केमैप का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पहुंच जाए, सभी ये देख पाए कि हाँ इस तरह के वीडियोज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा वीडियो ट्रेंड करेगा, बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से आप इस सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केमैप के इस बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने या मिनिमाइज करने के साथ ही हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, है ना, और अब हम अगले वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, या आपके जो आईसी डिजाइन होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम जल्दी ही अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और
आप सभी को नमस्कार।